नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए धन्यवाद। इस हफ्ते में मेरे पास एक फॉरेंसिक कॉल आया कि जी आपने गट फीलिंग क्लास की है, तो उसमें बताया है कि वहाँ बहुत सी फीमेल्स हैं वो लोनली हैं। तो मैंने कहा जी मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। तो मैंने कहा ऐसा है जी, ये तो गलत हो गया, लेकिन ये बात पक्की है कि लोनलीनेस स्त्री हो चाहे पुरुष, इंडिया में भी बतेरे वर्ल्ड वाइड है, हर जगह ऐसा हो सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक प्रमुख कारण है पुरुष का। अगर स्त्री समान पुरुष हो जाता है तो शांति प्रिय हो जाता है, और पुरुष समान स्त्री हो जाती है तो कलह प्रिय हो जाती है। ये सबसे बेसिक लफड़ा है जिस कारण से स्त्री के शरीर में पुरुष तत्व होने से वो लोनली होती है, और पुरुष के शरीर में पुरुष और ज्यादा गर्म होने से लड़ाका और क्लेशी हो जाता है। ये हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा। और दूसरा एक प्रश्न है मेरे बड़े प्यारे, मेरे से नफरत करने वाले बड़े प्यारे ब्राह्मण हैं, वो भी यूट्यूब पे मुझे भेजते रहते हैं, दो चार गालियां भी बक चुके हैं। एक्चुअली आई एक्चुअली लव हिम, मैंने उनको ये बोला कि आप मुझे गाली भी बकते हैं और सुनते भी हैं, ये तो लॉटरी मेरे लिए। यू डिसलाइक मी सो लाइफफुली, इतने प्रेम से डिसलाइक करते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप कहते रहते हो पुरुष कुत्ते हैं, पुरुष कुत्तों हैं, तो क्या आप भी? मैंने कहा भाई वाह, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो मैंने कहा ये भी आपको जवाब में अगली क्लास में दूंगा, क्योंकि आज की हमारी क्लास से लिंक्ड है। आज हम क्लास कर रहे हैं मुन्ना और टिंकू की लड़ाई, वॉर ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो पुरुष कुत्ते हैं, इसके पीछे साइंस है पूरी लड़ाई। जैसे आपने कहा ना पुरुष कुत्ते हैं, ऐसे एक फॉरेन का वैज्ञानिक था, उसने कहा आदमी जो है बंदर से हुआ है। तो हमारे ऋषि मुनि ने कहा नहीं, आप लोग हो गए बंदर से, हम तो इंसान से। ऐसा नहीं होता है कि इधर से इधर ऐसे चेंज होता है, वो सब अलग है, वो कहने की बातें हैं, ये सब बकवास बातें बना रखी हैं। ये तो डार्विन की थ्योरी थी एवोल्यूशन की, ये सब सत्यानाश है, खत्म हो चुकी है वो बातें। अपने धर्म के अनुसार क्रिश्चियनिटी कहती है डार्विन ठीक था, अब वो हिंदुओं के साला वेद कैसे मान ले, इसका मतलब वेद मान जाएंगे तो बाइबल का क्या करेंगे। ये जिद है, ये धर्म भी एक बड़ा लफड़ा, ये भी लेते हैं आज पॉइंट को। तो अब मकसद कहने का कि पुरुष कुत्ते, कुत्ते किस प्रकार से। ये हमारा सिर होता है, इसका पिछला हिस्सा है जहां दादाजी रहते हैं। दादाजी मतलब बॉडी के ब्रेन को कंट्रोल करने वाली स्थिति, हमारी जो विजन देखते हैं ना आंख यहां होती है, इसको देखने का सेंटर यहां होता है, इस प्रकार मान ले। कानों से सुनते हैं, सबसे पहले यहां प्रोसेसिंग होती है। इस हिस्से का रेप्टिलियन ब्रेन नाम है, रेप्टाइल होते हैं जैसे सांप, लिजर्ड, छिपकली वगैरह, ये सब जो जमीन में रहते हैं, अंदर बिल में घुस के डरे हुए होते हैं जबरदस्त तरीके से, और उन्हें सिर्फ खाना आता है, और खाना क्या आता है, अपनी जाति के लोगों को भी खा जाते हैं, कि पेट भरना है जैसे तैसे, सेक्स करना है यानी बच्चे पैदा करना है ढेर लगा करके, और क्या करना है, सोना है। ये रेप्टिलियन ब्रेन है, ये तीन चीजें मुख्य होती हैं इसकी, ये हमारे ब्रेन का सबसे पिछला हिस्सा है। और इसके आगे होता है हमारा इमोशनल ब्रेन, जिसके कारण से हम मनुष्यों के अंदर भयंकर इमोशन है। जो गाय, कुत्ता, बिल्ली होते हैं, उनका खोपड़ी यहां से यूं चलती है, ऐसे 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 यहां खत्म होती है। ये इमोशन है, थोड़ा बहुत प्रेम गाय, बिल्ली, कुत्ता, शेर सब में हो जाता है, पर उनका इस प्रकार प्रेम नहीं होता कि जैसे अपना बच्चे से प्रेम कर रहे हैं, छोड़ दिया। जिराफ हो, कोई और पंछी हो, कबूतर हो, ये अपने बच्चे को कुछ टाइम बाद घोंसले से बाहर फेंक देते हैं कि सालों उड़ो। तो इनकी इमोशन बड़ी प्रैक्टिकल है, बड़े डिफरेंट टाइप की, हमारे इमोशंस में हम पकड़ लेते हैं। और ये ब्रेन का एक अगला हिस्सा है जो ईश्वरीय तत्व है, नियोकॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब, फोरहेड, अगला माथा। ये ऐसा बड़ा माथा हमारा ही होता है, चिंपांजी का होता है, वो हमसे 99% मिलता है डीएनए लेवल पे। फोरहेड, इसके पास हमारे जो है बुद्धि है, बुद्ध से बुद्धि है, अल्फा ज्ञान। ज्ञान क्या है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, यहां पर विद्वान भी नहीं होते, बस तीन ही काम करने, सोना, खाना, सेक्स, बच्चे। और यहां क्या होता है, पढ़ लो, लिख लो, आगे भविष्य की सोच लो यार, चिंता कर लो, चलो। और ये होता है ज्ञान, ये सब दर्द पाते हैं। ज्ञान हो जाने के बाद आप परमात्मा को ढूंढते ही नहीं, आप जान जाते हो भाई यार साला वही तो चला रहा, कृष्ण तो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, हमने रखा हुआ है, हमारे सांस ले रहा, खाना पचा रहा, दिखा रहा, काम तो ईश्वर अंदर बैठे कर ही रहे, अब बाहर का बेवकूफों की तरह ढूंढ रहे हैं। अब मकसद क्या होता है, ये होता है पुरुष ब्रेन, ये होता है स्त्री ब्रेन। जब पुरुष भी स्त्री की तरह सोचने लग जाता है तो इमोशनल हो जाता है, अक्सर क्या करता है, उसको इसी का स्यापा होता है, इसलिए स्त्री में वो मात्र सेक्स देखता है, स्त्री पुरुष में प्रेम देखती है। पुरुष स्त्री की जरूरत है, इस कारण से वो उसे सुनती है, दबती है, सहती है, मानती है। और जो पुरुष है उसके लिए स्त्री उसकी कमजोरी है, अगर स्त्री की उसे जरूरत कमजोरी ना होती ना, कि कमजोरी है स्त्री के लिए, तो मार देता सबको, वो इतना कलेशी है, वो अपनी खुद की स्त्री को भी मार देता है, लड़ता है, झगड़ता है, हाथ उठाता है, उसका दमन करता है। अब ये लफड़ा है, जो स्त्री इस लायक हो जाती है कि दफा करो चाहिए ही नहीं,
वो ये तो कह देती है कि हाँ मुझे पुरुष की जरूरत नहीं क्योंकि धन हो गया, मान सम्मान हो गया, पद मिल गया, लेकिन अपने जीवन के इस हिस्से के लिए क्या करे? ऐसी स्थिति में डिप्रेशन घेर लेती है। और जो पुरुष यही रह रहे के पागल हो जाता है वो भी डिप्रेशन का पेशेंट होता है सारे समय। इसीलिए उसको सारे टाइम क्या होता है, मैंने कुछ बनाना है यार, मुझे चाहिए। अपने कुत्ते देखो, कुत्तों को डोमेस्टिकेट यानी कि ट्रेंड कर दिया जाए, कुत्ता ट्रेंड कर दिया जाए तो जी बिला के है करके आगे पीछे भागता है। इतना कमाल का होता है, पहचानता है। यानी कि कोई पुरुष यदि अच्छा है तो ये समझ लें उसके ऊपर उसकी माँ ने या बहन ने बहुत काम किया है। पुरुष के बस की नहीं है, पुरुष को यदि किसी लायक संस्कारी बनाया यानी कंडीशनिंग की है, समझदार बनाया, उसमें मर्म दिया है, प्रेम दिया है, सत्य दिया है, ज्ञान दिया है, तो बड़ी भयंकर मेहनत की है उसकी माँ ने। ऐसे पुरुष यूजुअली माँ के भक्त होते हैं और बीवी का खून कर देते हैं, क्योंकि माँ शब्द से बाहर नहीं निकल पाते। वो सम्मान तो कर सकते हैं, प्रेम नहीं, प्रेम की बात यहां आती क्योंकि भक्त बना देता है। इसलिए पुरुष के लिए अंधभक्ति का लफड़ा है, मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाना, मैंने भाई सब बस ये माँ है तो मैंने सुनना ही नहीं इसके खिलाफ, वो पागल हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ पुरुष हैं जिनको ट्रेंड करके आतंकवादी बनाया गया है। कुत्ते होते हैं ना ये, क्यों पुरुष पुरुष को मार रहा है, क्यों आतंकवाद कर रहा है, कत्ल कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, लूट खसोट लेडीज थोड़ी कर रही है, फीमेल थोड़ी करती है। रेयर केस मिलेगा पेट की भूख के लिए, बच्चे के लिए किया या कारण हुआ। सारी दुनिया में लड़ाइयां झगड़े कुत्ते कर रहे हैं और कौन कर रहा है? तो जितने पुरुष कंडीशन किए जा चुके हैं, ऐसे बनाए जा चुके हैं, वो सब आतंकवाद में घुस गए हैं, लूट खसोट में, डकैती में, अपने नाम कमाने के चक्कर में साला न्यूक्लियर युद्ध कराने तक को तैयार है। ऐसे ऐसे पागल के बच्चे हैं, युद्ध से क्या मिलेगा? कोई अकल नहीं है, वो मार देंगे, भले मर जाएंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए उनका कुत्ता होना बड़ा जायज है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस कुत्ते को ज्ञानी कैसे बनाया जाए। तो पहले तो उसे डोमेस्टिकेट करना पड़ता है। डोमेस्टिकेट मतलब घरेलू बनाया जाता है, पालतू बनाया जाता है, प्रेम दिया जाता है। ऐसे कई किस्से आते हैं मेरे पास जिसमें कहते हैं जी देखो जी मेरी सास ने ना बेटे पे मतलब पति पे मेरे कुछ कर रखा है, उसे खिला रखा है, पिला रखा है, मेरी तो सुनता ही नहीं। कहता हूँ यार क्या खिलाया हमें भी दो भैया, तो मार्केट में नया है, बहुत बिकेगा। पर ऐसा कभी आज तक नहीं मिला किसी का कोई ऐसा, कोई किसी ने यंत्र तंत्र कुछ भस्म खिला दियो। तो मैं कहता हूँ ऐसा तो फिर होता तो कोई ना कोई शत्रु आके मोदी का ही नाश पीट देता दूर बैठे। ये बकवास बातें कैसे सुन समझ लेते हो? और अगर ऐसे ही तांत्रिक होते जिनके बस में औकात होती तो साले वही अरबपति होते, वही ट्रंप बने होते। वो खुद तो कंगले हैं, खुद को अपने जीवन को उठाकर ऊंचा नहीं ले जा पाया कोई जोशी कोई तांत्रिक, तो ऐसी क्या स्थिति है कि दूसरा को वो उठा देते? खुद को तो ब्लेस करना आता नहीं, दूसरे को आता है। जो संत होता है उसकी कृपा से होता है, क्योंकि उसके पास त्याग करने की भावना का अहंकार भी नहीं होता, उसके पास शक्ति रहती है। ये शक्ति रहती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मकसद कहने का क्या है कि आप अपने जीवन के अंदर जो भी चीज के लिए दिमागी तौर पर तैयारी कर रहे हो, बना रहे हो, वो संस्कारों से बनी है। संस्कार है कंडीशनिंग, हमारे को कंडीशनड कर दिया जाता है, बनाया जाता है, पकाया जाता है, सिखाया जाता है। अब ये सीखने की क्रिया है, इसके लिए हमारे पास एक मन है और एक शरीर है। पैदा होने से पहले मन होता है जो भटकता है आत्मा ढूंढने के लिए, एक शरीर दे दे यार, शरीर दे दे। जैसे कि गाड़ी का इंजन है, इंजन पड़ा हुआ है, चलाएगा वही गाड़ी, जान उसी में, खराब होगा तो गाड़ी का नाश भी वही पीटेगा, सही चलेगा तो गाड़ी भी धाएं धाएं भागेगी। लेकिन उसे बॉडी चाहिए कार की, उसके पास कार की बॉडी नहीं है, इसलिए वो तड़पता है कि यार मैं पढ़ाऊं साले बॉडी दे दूं ना, बॉडी नहीं मिलती। इस बॉडी का लफड़ा क्या है? ये बॉडी है जो संसार में हमें भोग देती है, और ये बॉडी ही है जो पुरुष और स्त्री है। अब समस्या सबसे बड़ी क्या आती है? इस बॉडी को पाने के बाद जो मन है इसको मिलती है बॉडी, ये पागल हो जाता है। मैं पुरुष शब्द में ज्यादातर कहूंगा क्योंकि पुरुष ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोभ करते हैं बहुत। क्या है? पुरुष ही तो बना रहा है एक बिल्डिंग, भाई 240 बना दे। जिसने ज्ञान ले लिया उसके जीवन में सुख ही आ गया, स्वर्ग आ गया। सारे स्वर्ग हर धर्म के पुरुषों ने बना रखे हैं, क्योंकि ये पक्की गारंटी है जब स्वर्ग में मरने के बाद जाओ तो अप्सरा होती है। मेल पोर्शन इसका मेल नहीं होता इसका कुछ यार, पलट के सिर्फ अप्सराएं होती हैं, हूरे होती हैं, परियां होती हैं। यार ये बनाया ही आदमियों ने, क्योंकि यहाँ की कल्पना पूरी करिए, मजे की बात, स्वर्ग में साला शराब की नदियां बहती हैं। यार ये कैसा स्वर्ग है? ये सब बंदो आदमियों के बनाए हुए हैं, एक भी स्त्री नहीं बना सकती। सारी गालियां पुरुषों ने बनाई है माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, कोई भाई बाप करता ही नहीं। ये सब पुरुषों का खेल है। ये शरीर में मुन्ना आकर के और बावला और पागल हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है। अब इसकी लड़ाई इसके साथ बड़ी विचित्र होती है। इस मुन्ना के पास जो हमारे शारीरिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 12% ताकत होती है। ये भूमि तत्व को कंट्रोल करता है, भूमि अर्थ, अर्थ तत्व, और ये वाटर जल, जल तत्व, भूमि
अग्नि जल आकाश वायु ये हमारे शरीर की कंपोजिशन है, पांच तत्व जो फाइव एलिमेंट से बनता है। मजे की बात है ये 12% ना वीक पड़ा होता है 72 के खिलाफ, यानी कि हमारे को शरीर जो ईश्वर देता है वो 6 गुना ज्यादा ताकतवर देता है मन की शक्ति से। हमारे शरीर के पास बहुत जबरदस्त ताकत होती है। अब इस शरीर को यदि इसकी ताकत मिल जाए तो ये रॉकेट बन जाता है, क्योंकि ये 12% इससे मिलते ही असीमित शक्तियों का मालिक बन जाता है। इसको शरीर ना मिले तो ये पागल हो जाता है। जैसे कि शुरुआत में क्या होता है, शरीर पैदा होने के बाद इसका गुलाम होता है, पूरा गुलाम, शरीर को चलाने वाला। जैसे ड्राइवर मिल गया एक बिल्कुल नया निर्ला ड्राइवर है, और उसने गाड़ी के ऊपर बस इतना पता, भाई एक जगह होती है वहां दबा दो जोर से तो गाड़ी भागती है, दूसरे पर दबा दो रुक जाती है। अब वो ये खेल खेलता रहता है, तरीके से स्टीयर करने नहीं आती, तो 400 एक्सीडेंट तो मार के छोड़ता है, क्योंकि अभी चलानी आती नहीं ढंग से गाड़ी। इसीलिए छोटा पैदा होता शिशु मन के मुताबिक फुदकता रहता है, खाना है, सोना है, पार्टी करनी है, शिशु करना है, खत्म, और कुछ लेन देन नहीं होता उसका, कोई लेना देने नहीं है। और मजे की बात, इन तीनों पे उसका कंट्रोल ही नहीं है, यानी कि उसके बस का नहीं है। अगर उसका मन भी कर रहा ना कि मैं खाना खाऊं, तो अक्सर बच्चों को देखा होगा पॉटी करते हुए और खाना खाते हुए सो जाते हैं। बॉडी कहती है, बॉडी का बड़ा पावर होती है, 72% खाता खाते सो गए, बेड पे कहां सोए। लोग कहते हैं यार क्या दिन थे बचपन के, माँ उठा के बेड पे पहुंचाती थी, हम सोते पता नहीं कहां थे। वो क्या था, क्योंकि बॉडी का ब्रेन इतना भयानक पावरफुल था कि अपना काम नहीं छोड़ता था। इसे जब नींद आई सो गए, इसको जब जैसा लगा हो गया, काम खत्म, इसे कोई लेन देन नहीं है। इसने नहीं पूछना, बच्चे नहीं चिल्लाते मम्मा पार्टी आई है, मां को भागना पड़ता है। बड़े होके हमारे अंदर जबरदस्त कंट्रोल डेवलप होता है, हम टिंकू को इतना ट्रेंड करते हैं। छोटे बच्चे का साथ क्या होता है, ये बहुत पावरफुल होता है, ये इतना पावरफुल होता है इसलिए बच्चे बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। यदि आप बड़ी उम्र में छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करें, मानसिक रूप से खूब चिल्लाएं, खूब खेलें, नींद आए सो गए, कोई तंग नहीं किया पेट को, भाई पट्टी आई नहीं आई, सुसु आया नहीं आया, अब आया तब आया, ये प्रमुख चीज है। मल त्यागने से शरीर स्वस्थ होता है, बुद्धि के मल को त्यागने से ज्ञान बढ़ता है। आपने बच्चे की तरह बड़े होके सीखना सीख लिया, जीवन खेलना कूदना, पति पत्नी लड़ते हैं, माफ करना सीखो, बच्चे माफ कर देते हैं, अब्बा कुट्टी खत्म। बॉडी का ब्रेन इतना पावरफुल है, आप स्वस्थ हो जाओगे, आप किसी भी एज में स्वस्थ हो जाओगे। लफड़ा क्या होता है, इसको ट्रेंड करती हैं मम्मियां, करती हैं अक्सर ट्रेंड, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। अब ये बच्चे की बॉडी होती है 5 साल तक की, वो सुनता रहता हाँ माँ बता रही है, माँ बता रही है। फिर ऐसा ही बच्चा पता लगा बाद में 30 साल का हो गया, माँ अभी भी बता रही है। अब जब माँ अभी भी बताती है तो बच्चे को कंडीशनिंग, पुरानी कंडीशनिंग के हिसाब से चलाती है। अब उसकी बीवी है या बेटी है, उसका जवाई है, अपने हिसाब से इंटरफेरेंस उसकी 25 साल पुरानी चल रही है। आज जीवन बदल गया और वो रिश्ते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अक्सर आदमी भी ऐसा करते हैं, वो तो तबाही कर देते हैं, क्योंकि वो क्रोध होता है, युद्ध करने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। जिस पुरुष में सौम्यता है वो घर बसा देता है। इसीलिए कहते हैं ना, सास बड़ी कठिनाई से अच्छी मिलती है, क्यों बुराई मिलती है सास की, ससुर के नहीं इतनी बातें आती, क्योंकि वो ममता में मोह में अभी भी बच्चे को पकड़ के चलती है कि बेटा बहुत अच्छा या बेटी बहुत अच्छी, जो दूसरा मिला वो बुरा है। ये 12% कंडीशनिंग जब बच्चे की छोटी उम्र से होती है तो उसके बाद बच्चे का ये हाल करता है, जो मन करता कर देता है। आप देखेंगे बच्चे के अंदर की शैतानी मुन्ना यानी मन और टिंकू यानी बॉडी कैसे काम करती है। घर में उसे पता है मेरा राज है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहूंगा बिस्किट खा लूंगा, जब चाहूंगा टॉफी खा लूंगा, रो लूंगा, फैल जाऊंगा नीचे, पापा मम्मी गोद उठाएंगे, बचाएंगे खुद को, कह दूंगा खाना नहीं खाऊंगा, पुचकार पुचकार के टॉफी लॉलीपॉप दिलाएंगे। तो बच्चा घर में नखरे करता है, बेटा खा ले ना, एक बिस्किट ले ना। फिर पता लगा जी हम शर्मा जी के घर जाते हैं, वहां पर वो बिस्किट विस्किट रसगुल्ले रखते हैं, बच्चा जाते ही भाड़ में जाए दुनिया ये तो खाऊंगा, क्योंकि उसे पता है इनके घर में तो भी आए हैं। और भाई उसे ये समझ है कि ये नहीं मुझे पापा मम्मी की तरह डांटेंगे, ऐसा मत करो, ये कहेंगे हाँ राजा बेटा खा लो, प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। प्रेम से बोलो के साथ आ जाता है जय माता दी। प्रेम होता है वो जादू जो सास का मैं पीछे बता रहा था, बात रह गई कि सास ने बेटे पे कब्जा किया हुआ है, हमारी नहीं सुनता, वो प्रेम का जादू होता है, कोई बहुत शबूत नहीं होती। तो प्रेम से बच्चे को मिलता है, इसलिए उसकी बॉडी में रुकी नहीं पाती, वो राल टपक जाती, कहते चाहिए अभी चाहिए, और माँ बाप की वो ऐसी बेइज्जती कराता है। फिर वो कहते हैं घर में तो कुछ खाता है, मना नहीं है किसी पर, ऐसे करते हैं बच्चे तो आपको पता ही है। शर्मा जी भी जान जाते हैं, बेटा समझ आ रहा तुम्हारा, सारे टोकते रोकते रहते हो, उसको सारे टाइम इसका खून पीते हो, इसको फ्रीडम नहीं देते।
वैसी फ्रीडम जैसी ये चाहता है कि कोई हाय तो बनाओ, पर खैर बच्चे को ट्रेंड करने के लिए रोकना टोकना पड़ता है, क्योंकि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैनी हैं, सिख हैं, पंजाबी हैं, बनी हैं, तो अपने अपने जीवन का कल्चर का हिसाब डिफरेंट है, तो उस हिसाब से माता पिता भी कहते हैं यार तू डिटो कॉपी बना हमारी भाई, उसको होता है फोटो कॉपी चलनी चाहिए, तो वैसी ट्रेनिंग चलाते हैं माँ बाप, वो भी क्या गलत है, उनके माँ बाप ने भी यही किया है और उनके माँ बाप ने भी यही किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी राजपूत खानदान में यही हो रहा है। इसलिए लॉजिक दिया तेल लेने जो दादाजी ने किया था हम भी करेंगे, हमारे खानदान में होता ही नहीं, यानी कि कंडीशनिंग, इतना जबरदस्त कंडीशन किया जा चुका है मन को कि ये 72% टिंकू को खा रहा है। हमारे जीवन में कोई भी रोग होता है मजे की बात ठीक हो जाते हैं, हमारी बॉडी सिर्फ जीवन भर चलने के लिए मृत्यु के समय शरीर त्यागने के लिए बनी है, हमारी शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना है, क्योंकि हर बीमारी बॉडी से हील हो जाती है, ठीक हो जाती है, जो बीमारी बॉडी से हील नहीं होती इसका मतलब बॉडी को ये कंडीशनिंग तोड़ चुकी है, बहुत धीरे धीरे कब्जा करता है, 6 गुना ताकतवर है आपका शरीर, आपके मन से 6 गुना ताकत रखता है, 1 गुना 2 गुना 4 गुना 6 गुना करते 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 शरीर को जब ये इतना खा जाता है कि शरीर वापस रिकवरी ना कर सके तब तबाह होता है। इसे कहते हैं गुरु कृपा चाहिए जो उस चंगुल से छुटाए, मुन्ना टिंकू को अलग करे, टिंकू अपने आप हील हो जाएगा, टिंकू अपने आप ही सोता है, आप जबरदस्ती सुला नहीं सकते, ये तो सोने नहीं देगा उल्टा, क्योंकि मन का क्या है, इसे साला पूरी दुनिया चाहिए, पूरी दुनिया चाहिए, इसे कोई लेन देन नहीं, क्या मिला क्या नहीं मिला, ये कहता और ये संतुष्ट नहीं होता, और शरीर क्या कहता है, रज गए, एक पलंग मिल जाए भाई उस पर सोऊंगा यार आराम से, बस पानी मिल जाए एक ग्लास पीने को कोई दिक्कत नहीं है, पानी पी के हम तृप्त संतुष्ट हो जाते हैं, शराब क्यों लोग पागलों की तरह पीते हैं, शराब ये पीता है, जब शराब ये वाला ब्रेन पीता है तो कोई बीमारी नहीं होती, यानी आराम से लाइट म्यूजिक जगजीत सिंह की गजलें, मैं मूड बना रहा हूं वैसे, सोडा वाटर आइस एंड 2 पैक या चलो 3 खत्म, मैं भी पानी से काम चला रहा हूं यार, अब यही तो बात है, आप तो मतलब अभी से पानी मुंह गीला कर रहे हो, अभी से घर के लिए तैयारी पे जा रही हो, तो ये क्या स्थिति है, जब जब आप इसको समझ के चलोगे मैं शरीर से कर रहा हूं, कोई भी बीमारी शरीर पे नहीं आएगी, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है समझना। सबसे बड़ी समस्या ये इसका खून पी जाता है, खून कैसे पीता है, शरीर के पास लैंग्वेज है बात करने की कि यार मैंने दर्द देना है जब मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, आपने देखा होगा कभी कभी हाइट की ओर हम जाते हैं, आगे आगे झुक रहे हैं तो पैर पीछे चले जाते हैं, अपने आप होता है कई लोगों के साथ, ये क्या स्थिति है, कई लोग कहीं बैठे हल्ला मचा शरीर ऐसे सिकुड़ के बैठ जाता है अपने आप, यार मैं ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि यदि आप बहुत ऊंची हाइट से गिर रहे हैं अपने शरीर को ऐसे मोड़ लो नाभि की तरफ, आपकी हड्डी नहीं टूटेगी। इसके ऊपर मैंने बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जिसमें साइक्लिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट हैं, एक पाड़े से दूसरे पे जाते हैं और बाइक या साइकिल बीच में छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ गिरते हैं, पागल है वो, पागल बड़े बड़े पागल है जिन्होंने इसको अंजाम दिया, शरीर को नाभि की तरफ मोड़ देते हैं, वहां से गुमड़ू गुमड़ू गिरते हैं, ऐसी तैसी हो जाती है शरीर की छिल छिल के, हड्डी नहीं टूटती, नाभि के पास जाते ही शरीर एकदम कहता है अब पावर है भाई साहब, दिक्कत कोई नहीं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं ऐसे लोग, इसलिए वो जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और चीजें वो सब समझते हैं इस चीज को, बड़ा यौगिक बातें हैं, यौगिक दर्शन है इसके पीछे। इस शरीर के लिए आपने जो भी भोजन दिया, जो भी खिलाया, जो पिलाया, ये पेन से और संतुष्टि से बता देगा कि भैया ये खा के ना मुझे जलन हो रही है, ये बता देगा इधर जाने की बात रही मैं इधर नहीं जाऊंगा मेरे को दर्द होती है, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं वैष्णो माता की चढ़ रहे हैं जी, अब मन कह रहा है जय माता दी देखना साचे दरबार वाली माता, पहुंचते ही आपको दे दे कि 40-50 करोड़ तो दे दे, अच्छा पहुंचते पहुंचते जीरो लगा देंगे क्या दिक्कत है, और चले हुए बॉडी कह रही पर बॉडी का कमाल देखें 6 गुना ताकतवर है, तलवे घिस रहे हैं पिंडलियां दर्द कर रही है, चढ़ते लेते हैं चढ़ी लेते हैं हम रोपिट के, क्योंकि इसकी शक्ति मिल गई, शरीर आउट परफॉर्म करता है, यदि आप जिस व्यक्ति ने इसको टेम करना सीख लिया वो शरीर से जादू करा सकता है, चमत्कार करा सकता है, उम्र गई ऐसी तैसी, आप 50 के हैं 25 के सेम कोई फर्क नहीं, आपकी बॉडी के अंदर वैष्णो माता पहुंचने की ताकत आ जाती है, और वहां जाके क्यों, क्योंकि आपको लगता है अब तो भाई स्वर्ग में सीट पक्की है, टेंशन ही नहीं है, आदमी को पता होता है उसने यहां कितने कुतखाने मचाए, कितने लड़ाई है, आज कुतावर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, कितने कुतखाने मचाए, कितना क्लेश किया है, कितना लड़ा है, बीमार पड़ते ना पुरुष सोच बैठता है यार किया तो बड़ा गलत है यार मैंने उसके साथ, अच्छा फिर छुट्टी हो गई ठीक हो गया हॉस्पिटल से, फिर वो कहता है कौन किसकी बात कोई पता नहीं,
इसलिए भूलने की शक्ति बड़ी प्यारी होती है पुरुष की और स्त्रियों की होती है। वो भूल के राजी नहीं, वो तो पिछले जन्म वाली बता दी कि देखो पिछले जन्म में तुम मेरे पति थे, तुमने ये किया था, बोले है मुझे इसका याद नहीं। इसलिए उनकी याद रखने की क्षमता बहुत ताकतवर होती है। एक राजा था ययाति नाम से, बहुत हमारे पुराणों में आता है उसकी कथा है, ये कहानी बनाते हैं ना शिक्षा के लिए। तो वो सारी जिंदगी जिया बड़ी ऐश करी, बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, धन की कोई कमी नहीं, मान सेना क्या क्या नहीं। अब राजा शादियां करते रहे, बच्चे पैदा होते रहे, 100 बच्चे पैदा हो गए। 100वें साल की उम्र में उसके पास धर्मराज आ गए, हाँ भाई चलो टाइम आ गया इस शरीर को अब छोड़ देने का है। उसने कहा यार ये क्या हो गया, अचानक ज्ञान हो गया पुरुष को, भाई जिंदगी में तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो पुण्य करने थे, मुझे तो दुनिया का भला करना था, किसी के काम आना था, मैं अपनी देखूं पाप की गठरी बहुत बड़ी है, नहीं मुझे प्लीज एक्सटेंशन, 2 साल की तो कभी कभी डेपुटेशन भी मिल जाती, कुछ तो दो। तो उसने कहा भाई तो तब हो सकता है अगर तुम्हारा कोई बच्चा कहे कि यार मुझे ले जाओ, मुझे तो देखो खाना पूर्ति करनी है, बक्सा भर के ले जाना है, तो कौन सी आत्मा चलेगी बता दो। उसने अपने 100 बेटे खड़े कर दिए, 80 साल का बेटा सबसे बड़ा था, उससे पूछा भाई तुम चलोगे, बोले जी यमराज मुझे ये समझाओ मेरा बाप 100 में मरना नहीं चाहता, मैं 80 में क्यों जाऊं। ऐसे जवाब 70, 75, 65 सबने दे डाला। आखिर में सबसे छोटा था 15 साल का, उससे बोले तेरे से क्या पूछना, बोले नहीं मुझे, मैं चलने को तैयार हूं। बोले बेटा क्या मतलब, बोले आपकी जो इतनी देर की वार्तालाप हुआ है ज्ञान आ गया मुझे, मतलब मेरे पिता ने 100 साल उम्र पाके भी मृत्यु के समय रियलाइज किया कि मेरी आंखें अब खुली, मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं ढंग से, मैं बच्चों के लिए रोता रहा, बहन के लिए रोता रहा, चाचा के लिए रोता रहा, साला अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, मेरी तो पाप की गठरी बहुत मोटी है, मुझे तो दूसरों से प्रेम करने की शिक्षा ही नहीं थी, मैं तो लड़ा और प्रेम भी किया तो मतलब से किया, राज ही किया, धन के पेच ही लगा रहा, चीजें ही बनाता रहा, मेरे जो दूसरे भाई है उनको पिता माता के प्रति करने का कर्तव्य के बोध से भी इच्छा नहीं है। तो सोचो ये साले इतनी उम्र के बाद भी किसी के काम नहीं आए, मुझे तो इसी उम्र में मौका मिल रहा है, चलो बाप के काम आ जाओ, जीवन सार्थक हो जाएगा, इनका तो जीवन निरर्थक है ये तो समझ आ गया। बोले वाह बेटा कमाल है, चलो ठीक है बेटा ले चलते हैं जी। वो ले जाता है, उसे 100 साल और मिल जाते हैं। जब मिल गए अगली सुबह उठे, ऐसी की तैसी, साला कौन किसको, कौन मरना किसको जीना, मौत आती है ये तो याद ही नहीं रखता ना इंसान। अगले दिन फिर शुरू हो गया ऐशी याशियां, और बच्चे और शादी और राजपाट और गहने दौलत, 100 साल फिर बीच गए, अब बच्चे हो चुके 200-400 और। रमराज फिर आ गया, भाई चलो, बोले यार सॉरी यार भूल ही गया मैं तो, भाई सब चरण कहे आपके, नाक रगड़ रहा हूं, बच्चों जल्दी आओ मुझे पता है स्कीम क्या है, आ जाओ। फिर एक बच्चे ने फिर समझ लिया कि यार ये तो भाई मूर्ख है, हमारा बाप तो महामूर्ख है साला, है इसको साला मरने की मतलब लोभ भी खत्म नहीं होता, पागल है साला, और करना कुरना कुछ है नहीं। ऐसे कर करके ययाति को 1000 साल मिल गए, और 1000 साल बाद भी जब वो मरा ही ना, कोई तैयार नहीं हुआ बाद की कुर्बानी के लिए, तो अल्टीमेटली रोता हुआ मरा। अब फैसला ये है कि मन की मुरादें तो पूरी साले होती नहीं है, ये जरा सा चूहा, और ये चूहा इतना बड़ा है कि अगर हाथी को काट ले तो हाथी तिन मिला जाए। अब मकसद कहने का कि कितने सालों में हम ये रियलाइज करेंगे कि आज के बाद ना यार बेटे को कोसना, भाई के लिए बोलना, प्रॉपर्टी का रोना, पैसे नहीं आए, ये यार अब हो गया यार साला, अब ऐसे जिएंगे यार, मैंने नहीं गालियां भगनी, मेरी माँ बुरी थी, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे साथ अन्याय कर दिया बाप ने, मेरी माँ ने, ना यार अब खत्म, अब मुझे इनके काम आना उल्टा, पता नहीं भैया पहले का क्या लेन देन था, देखे दफा करो यार, मैंने नहीं टोकना, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूं, भगवान बनाएगा। जो व्यक्ति कहता है बच्चों का भविष्य मैं बनाऊंगा, वो भगवान पे एक धेले का भरोसा नहीं करता, क्योंकि भविष्य सारा भगवान के हवाले है। भगवान के हवाले कैसे, एक भगवान की शक्ति अलग होती है, 4% ईश्वर, 6% बुद्धि के द्वारा काम करता है, बुद्धि वायु तत्व है, 4% सेल्फ अग्नि तत्व है, बाकी बैलेंस सारा आकाश। गुरु जी आपने जैसे कहा यहाँ पे कि हम क्या करना, हमें इससे लड़ाई है उससे लड़ाई है, ऐसी नहीं मानना, ऐसा क्यों होता है कि हम एक बार तो ये सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं करना, किसी से लड़ाई करना या पिछली लड़ाई याद नहीं करनी, लेकिन जब वो सामने पड़ जाए या जब उसकी बात हो जाए तो वो फिर पुरानी यादें क्यों जाग जाती है, फिर वही शुरू हो जाता है। अब ये बड़ी कमाल की बात है, यादें, इन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, मुन्ना के पास होती है सारी यादें और सारी प्लान्स, यादें, इमेजिनेशन, सब इसके पास है, मेमोरीज,
ये डीएनए के अंदर पाई, क्योंकि डीएनए के द्वारा ही तो काम करता है, और मुन्ना डीएनए कंट्रोल करता है। ओ यस, नहीं करता है अगर गुरु का होना तो, फिर नहीं कर सकता, फिर तो गुलाम की तरह पैर पकड़ के रखता है। जितने दिन व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है, मान लो एक बहुत बड़ा अरबपति आदमी हॉस्पिटलाइज हो गया, तो 20 दिन अगर हॉस्पिटल में है ना, तो देखना वो पहले 5 दिन के बाद फिलेंथ्रोपिस्ट बन जाएगा दानी। वो कहेगा मेरी वो पेंटिंग्स इस संग्रहालय से वहां से निकाल के बांधे दो, ऑर्फनेज में, वो एक आश्रम है वहां पहुंचा दो पैसा, मेरा वहां का बंगला है वो गरीबों के लिए बना दो। और निकलते ही 15 दिन बाद ठीक होते कहेगा इतनी दौलत निकाल दी साला, पहले तो ये रिकवर करना है, आते ही ये काम हो जाएगा उसका। तो जितने दिन पिटते हैं उस दिन, उतने दिन सब ज्ञानी होते हैं। ये पुरुषों के साथ विशेष है, प्लान यादें सब मुन्ना के पास होती हैं। अब मजे की बात देखिए, हमने क्या आदत बना रखी है। 20 साल पहले हमने कहां चाबी रखी थी, कौन से कपड़े पहने थे, किससे मिले थे, किसके घर में क्या गिफ्ट लेकर गए थे, हमारे पास कौन से रंग की शर्ट पैंट थी, ये हमें याद नहीं होता। ये याद होता है मामा जी ने ना भाई साहब इतनी अगस्त 1900 इतने को मुझे ये कहा था। क्या है साला ये, क्या है ये पागलपन, क्या है ये? ये है मुन्ना की ताकत, मुन्ना की सुपर स्पीड अहंकार। मुन्ना कहता है भाई टिंकू तेरा क्या वजूद है यार, तेरा वजूद देख मैं बनाऊंगा। भाई कैसे बनाएगा, तू सबसे बड़ा होगा। पर टिंकू कहता है यार देख सबके पास दो हाथ दो आंख कान नाक सब सेम है यार, भाई फर्क कैसे होगा। तो ये कहता है ठहर मैं तेरी मम्मी को भेजता हूं, अब तेरी माँ तेरा दिमाग खराब करेगी और मेरे थ्रू देखिए तू तेरे को बताएगी तेरी कोई औकात ही नहीं है। फिर मम्मी आती है या पापा भी आते हैं कई बार, बेटा ऐसे कैसे होगा, भविष्य कैसे अच्छा करोगे, तुम्हें तो अमीर बनना है बेटा, जो दुख हमने भोगे वो तुम ना भोगो। बाप भी कई ऐसे होते हैं जो खून पी जाते हैं बच्चों का। अब भाई तुमने दुख भोगे तुम्हारे नसीब के थे, उसके नसीब के होंगे। ऐसा कौन सा ऋषि मुनि, ऐसा कौन सा देवता, ऐसा कौन सा भगवान हुआ धरती पे जिसको दुख नहीं आए। यानी कि जब बड़े बड़े रामकृष्ण भगवान फलाने ढिमकाने ऋषि ये नहीं ओवरटेक कर सकते मुन्ना को, नसीब में जो लिखा है वो होके रहता है। लोग कहते हैं मैं नसीब बदल दूंगा, नसीब नहीं बदला जाता है, इसको डाइल्यूट किया जाता है। पानी में नमक है, अब आप कैसे बदलोगे उसे, पानी गायब हो जाएगा नमक वहीं रह जाएगा, पानी पॉल्यूट हो जाएगा। हमारा 72% शरीर जल तत्व है, पानी है ये, आपको इसमें और पानी डालना पड़ेगा। अब और जल तत्व कहां से मिलेगा, तो नमक लाइट हो जाएगा, कैसे डलेगा। कोई बेटा हो जो बाप के बदले यमराज के पास जाने को तैयार हो, कहां से लाओगे ऐसा, प्रेम से आएगा। प्रेम से कैसे आएगा, जब प्रेम सीखोगे। प्रेम कौन सिखाएगा, कोई गुरु बना लो, यानी कि मानसिक गुरु बना लो। कौन है गुरु, कोई ऐसा गुरु बनाओ जिसके थ्रू शिक्षा मिले। एक बार एक बहुत बहुत प्रसिद्ध गुरु है गुरजीफ नाम से, रशिया का, उसके पास एक बंदा चला गया, बड़ा विद्वान जबरदस्त पढ़ा हुआ, कौन सा वेद शास्त्र पुराणों से नहीं पता थे, अंग्रेजों की सारी सभ्यताएं जानना, अपने धर्म के फलाने किस किस धर्म का नहीं, उसने प्रसिद्धि सुन रखी थी गुरजीफ की। गुरजीफ ऐसा पागल था, पागल कहेंगे उसको, लेकिन पागल स्पेशलिस्ट होते हैं। वो ऐसा पागल था कि जब उसके पास कोई शिष्य आता था ना कि मैंने शिक्षा लेनी है आपसे, तो कहते हैं शब्द ये कि उसको पहले तो ये दारू पिला पिला के पागल कर देता था कि तू एक महीने तक दारू पिएगा, इतनी पिएगा कि पीने के बाद भी अगर तू होश में है, दारू पीसने शरीर फिर भी होश में है, आपने पी रखी है जुमले गोल गोल, फिर भी चल फिर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो यानी कि आपका गुरु बुद्धि ऑन है ये 6% एक ही बार बोलती है, बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है इसका, एक ही बार समझाती है, व्यर्थ बातें ये कराता है, ये मौन कराती है। यानी कि आपके बॉडी फुल कंट्रोल में है, तो वो कहता था हाँ अब तुम शिष्य बनने लायक हो आ जाओ, ऐसा पागल था। तो उसके पास गया वो, उसने बोला ऐसा मैंने बड़ा नाम सुना है आपका, वैसे तो देखो मैंने सारे पढ़ रखे हैं, बड़ा विद्वान हूं, लेकिन मैंने कहा आपसे भी कुछ सीखा जाए, ये अहंकार है। बता यार तू क्या सिखा लेगा साले मुझे, तू क्या बता देगा। तो गुरजीफ ये संत होते हैं, संतों की बात है, ऐसी प्रसिद्ध नहीं है कि इतने सालों बाद भी आज हम बात कर रहे हैं दुनिया करती है। तो उससे पूछ बोला कि ऐसा करो यार, फिर ये तो बड़ा लंबी बात होगी, आप तो सब जानते ही हो, तो मैं क्या सिखाऊं मुझे पता नहीं चलेगा। ये कागज लो आप, एक सफेद कागज दिया, पेन दिया, आप इस पे लिख दो आपको क्या क्या आता है, तो जो नहीं आता है वो लिख दो, तो जो आता है उसके बारे में डिस्कशन ही करेंगे, डिस्कस करेंगे, टाइम क्यों वेस्ट करना भाई, व्यस्त तो आप भी आए हो, अतिथि हो, जो नहीं आता उसके बारे में बात कर लेंगे। ये तो बड़ी अहंकार को चोट लगी, साला ये क्या तमीज हुई यार, अब मैं कैसे मान लूं मेरे को कुछ आता नहीं है, और अभी अभी इसने बता दिया तुम्हें सब आता है, तो साले पूछने को आए हो। उसका वही अहंकार चूर चूर हो गया, कागज वापिस किया, बोले जी मुझे कुछ नहीं आता,
मुझे अभी समझ आया कि ये अहंकार था जो बोल रहा है, मुझे वाकई कुछ नहीं आता। गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम बेटा बने कहलाने लायक बनोगे, अब तुम खाली घड़े हुए हो, अब तुम्हारे अंदर मैं कुछ भर सकता हूं। आज पहला शिक्षा का ज्ञान दे रहा हूं कि ये हमेशा जानो, ये हमेशा कहो मुझे नहीं आता, ये पहला ज्ञान है। आपने ये जानना सीख लिया। हम अक्सर क्या करते हैं कई बात, मुझे पता मैं बताता हूं, मुझे पता है, अबे तू मेरी सुन, मैं तेरा बाप हूं, तुझे अकल नहीं है, मैं बड़ा हूं तो छोटा है, छोटी तो बॉडी है, ज्ञान तो कोई लेन देन नहीं, ज्ञान तो इंट्यूशन है, ज्ञान तो पूर्व जन्म की कृपा है, ज्ञान तो गुरु क्या देगा आपको, नोट देगा, खुद कंगले होते हैं, वो आपको प्रेम देगा, आपका अहंकार साफ करेगा, झाड़ू साफ, झाड़ू हटा देगा। ऐसे कई लोग पीछे कहते भी रहे और अभी भी कहते हैं और कहते ही रहेंगे कि आपकी क्लास में सुनते सुनते जी नींद आती है, बड़ी अच्छी वाली नींद आती है। तो अब होता क्या है, ये खोपड़ी है और इसके अंदर पुराना भरा हुआ है, पुराना ज्ञान भरा हुआ है, मुझे ये आता है, जो आता है वो ऐसे फूल जाता है, अहंकार पूरे वेसल को भर लेता है, पूरा गुब्बारा बना देता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। अब मैं कोई बात करता हूँ बकवास के बीच में, कोई दो बात टेंशन के देता हूँ, कोई क्लेश की, कोई मजाक की, मैंने कोई बात करी, जब तक तो इसके साथ सिंक हो रहा है ना, सिंक्रोनिसिटी चल रही है कि हाँ हाँ ये बात कुछ समझ, ठीक है हाँ ठीक है, हो रहा है, बॉडी मजे में सुन रही है, और मुन्ना को जब तक लड़ाई नहीं मिल रही ना, मेरे से अलग बात नहीं की, की नहीं की, ये बात लगाने लग गई, मतलब मैं झाड़ू लेके आ गया, झाड़ू लेके मैंने कहा ये साफ कर दो, तो मुन्ना क्या कहता है, अबे साहब ये तो पागल है साला, इसकी को सुन रहा है, इसको छोड़ पर तो बकता ही रहेगा, सो जा, और फट से नींद आ जाती है। छोटे बच्चे को स्पाइडरमैन की कॉमिक दो, धांसू डिशुम डिशुम पिक्चर दिखाओ, नहीं सोएगा, उसे ज्ञान की कोई क्लास सिखा दो, भजन में डाल दो, वो सो जाएगा। बच्चे सो जाते हैं भजन में, पक्का सोएंगे, क्यों, ब्रेन कहता है ये तो मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं करता और पुराना मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए भैया किसी हालत में भी सो जा, वो बॉडी को सुला देता है। अब मजे की बात देखें क्या होती है, वो सुन रहे हैं जी क्लास, सुनते सुनते सो गए और 5-10 मिनट बाद दोबारा से उठ गए, कान में मान लो टुग्गा लगा हुआ है, 5-10 मिनट बाद उठ गए दोबारा और कोई बात सुनने लगे, फिर से आंखें खुल गई। कौन है अंदर जो सुन रहा है, जिसने 10 मिनट के लिए सुला दिया और सोते हुए भी सुन रहा था, काम की बात आते फिर जगा दिया, काम की बात आई फिर जाग गया, कोई है अंदर साला वो सुन रहा है, बॉडी को सुला देता है। अगर आप चैतन्य रहें, जितने बुद्धिस्ट मॉन्क है शाओलिन टेम्पल के अंदर बनाए जाते हैं फाइटर्स, उन सबकी बॉडी को ट्रेंड कर दिया जाता, पत्थर बना दिया जाता है, कैसे मन को साथ दें, साधना, साधु, साधुत्व क्या है, ये साध लेना, मन को पकड़ लिया, साले तू तो कुछ का कुछ कहता रहेगा, तुझे बॉडी नहीं देंगे, साधु शब्द में हर समय क्यों जूता है, ऐसे बैठे हैं, बॉडी नहीं देते वो, नहीं तो मुन्ना अभी बॉडी को कहता तांडव कर ले, ये खा ले, उसका छीन ले, नोच डाल, और मुन्ना को थका देते हैं वो, क्योंकि ये 12% है, ये 12% है। मेरे पास ऐसे कई बच्चे आते हैं जो शुरू में आते हैं, मैं झाड़ू लेके आता हूं तो मुझे 400 गाली बकते हैं, सीढ़ी तक जाते जाते तक बकते रहते हैं, फिर वो थक जाते हैं, थकेंगे क्या करें, क्योंकि जो बीज डल गया, ऐसे एक बीज तो पटक ही जाता है, ये नफरत का बीज डल गया मुझसे, नफरत। अब मजे की बात क्या होती है, प्यार के बहुत बीज है उनमें, अगले दिन वो सुबह उठते हैं, फिर मैं ही याद आता हूं, मैं चीज बड़ी हूं मस्त मस्त तो मैं फिर याद आता हूं, इसको साले को, इसको मैं ऐसी तैसी, इसकी दे गाली। ये बीज क्या करता है, इसको ताकत मिल जाती है, 4 दिन तक करते वृक्ष बन जाता है, 6 महीने साल की बात है फल लग जाते हैं, फिर मैं हूं दूसरा कोई नहीं, फिर पता नहीं मेरे पास क्यों आ जाते हैं, कहते हैं समझ नहीं आ रहा जी, है तो नफरत आपसे पर बॉडी आ गई, पता नहीं क्यों आ गई, क्योंकि दिमाग में वही छा गया, लड़का लड़की के प्रेम में पागल होता है ना, पता नहीं चलता, 2-3 महीने बाद तो उसके घर के नीचे घूम रहा होता है, बॉडी अपने आप चल पड़ती है, यार भर गई, वही भर गई, पूरे खोपड़े में भर गई, भाई चले उसके पीछे क्यों जा रहे हैं कोई पता नहीं, दीदार यार करेंगे हुस्न का, कोई लेन देन नहीं है, वो उसको भाई की तरह राखी बांध देगी, बात भी करने में चाहे जान निकलती हो, लेकिन उसको देखने के लिए, क्योंकि मानसिकता से इतना भर चुका है, कई लोगों के खोपड़ी में इतना भर चुका है, वो कहते हैं हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, जैसे कोई पैसे की भी डील आती है ना, कोई आया लगता है पैसे देगा, बंदा पैसे देगा भाई, पैसे देगा, उसके पीछे चमचागिरी करते रहते हैं, उसको फोन करते रहते हैं, फिर कहते हैं मेरे से बात होती है, ये पैसे नहीं दे रहा हूं, मैंने कहा दे क्या रहा, तुम उससे पहले इतना ले चुके हो माइंड में, वो कहां से देगा, क्यों पागल हो रहे हो, बॉडी को ये पागल कर देता है। 12% मुन्ना
ये 12 और 72 बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि आप ताकतवर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, आप जब इसको टेम करते हो ना, टेम मींस डोमेस्टिकेट, जैसे कुत्ते को डोमेस्टिकेट कर दिया जाता है, पट्टा बंधवा लेता है वो। और ये पट्टा कैसे बनता है आप देखेंगे, कुत्ते को, कुत्ता देख ले, छोटा बच्चा देख ले, सब ऐसे मुन्ना बड़ा भी होता है उसको, कुत्ता है बैठा हो या मालिक यहां खड़ा है या कुछ भी काम कर रहा है उसको, ये बहुत तेज होती है इंद्रिय, छठी इंद्रिय बहुत तेज होती है छोटे बच्चों को भी, उनको पता होता है पापा यहां देख रहे हैं, मम्मी देख रही हैं, आभास होता है। कुत्ता उससे भी तेज आभास होता है उसे, वो कितने सैकड़ों लोगों में से अपने वाले मालिक को ढूंढ लेता है। गाय का बछड़ा अपनी माँ को कैसे पहचान लेता है, मनुष्य का बच्चा अपनी माँ को भीड़ में कैसे पहचान लेता है, कुछ आभास है, कोई तरंग है अंदर से चलती है, जो उस तरंग के कारण से ये कुत्ता क्या करता है, ऑब्जर्व कर लो इसको। हाँ बैठा बैठा, आपको हर समय इसको ऑब्जर्व करना है, मन को ऑब्जर्व करो कि मन क्या सोचवा रहा है। जैसे मैंने बताया भी, गाने गा रहा है, गाने गा रहा है, रात रात भर दिन गाने गा रहा है, सबके बाद भी थोड़ी टाइम बाद चला जाता है, ऐसा है वो आएगा, उसका मैंने बता रखा है, उसको याद करके लिख लो। गाने वाली बात बताइए तो दो दिन से ऐसे ही मेरे साथ भी हो रखा है। आप कौन सा गा रहे हो? कोई काम की बात भी तो करें, ज्ञान के नाम पे बकवास तो चली रही है। हाँ जी कौन सा गा रहे हो? देखो ये मुन्ना, इनको बुद्ध ऑन नहीं है, वो बोलने नहीं दे रहा, क्योंकि ये मुन्ना क्या है, इसके पास डर है, यही डर धर्म में जाता है। गाना ये मानसिक गा सकते हैं, इसको शब्द नहीं दे सकते। डांस आ रहा, डांस आ रहा है, निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा, निकल नहीं देंगे, डांस आ रहा, नहीं निकलेगा, कोई खींच के ले जा मुझे, खींच के ले जा, नहीं नहीं, और यार चलना, अबे नहीं नहीं नहीं, जाता है एक बार स्टेज पे, भाई साहब बस स्टेज की ताकत पता लगती है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इतना निकल के था, भूगोल क्या ना फटता है अंदर से। ये सबके अंदर है, ये एक्सप्रेशन क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास 6% गुरु की बुद्धि की शक्ति ऑन नहीं कर रखी। ये 6% क्या है, ऐसे मान के चले इतना सारा दूध बिना 12% दूध मिला, इसको काढ़ 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 के घी बना डाला, 6% ये है। मुन्ना जितना पकड़ में रहता है, कुत्ता जितना पकड़ में रहता है उतना वफादार होता जाता है, ये मुन्ना वफादार हो जाता है और गुरु के स्वरूप यही निकाल के देता है। गुरु की जगह का छोटा पर्सन, 6% का ढक्कन होता है बॉडी के अंदर, वो श्वास से चलता है, इसीलिए सांस पे ध्यान देते हैं सब, और घर में सब सांस पे ध्यान देते हैं, सांस पे ध्यान दे, सांस सस होवे तो चंगी होवे, वरना दीवार ते टंगी होवे। ये 6% जो बनता है, ये गुरु ज्ञान के बाद से ये मन आपको जीवन की ऊंचाइयों पे लेके जाता है। आप इससे धन मांगोगे धन देगा, आपको संतुष्टि मांगोगे धन से नहीं देगा, मन से देगा। कहते हैं ना मन खुश हो गया यार, भाई साहब खुश कर दिया आपने, खुश कौन हो रहा है अंदर, कौन खुश हो रहा है, कभी सोचा आपके अंदर कौन है जो खुश हो रहा है, कौन है खुश हो रहा है? आपके अंदर एक व्यक्ति खुश हो जाता है, अभी अभी दुख की खबर से आप आए, यार मेरी नौकरी छूट गई, मतलब अंदर बड़ा दुख है, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मौसी चक्की पीसिंग, और उसके अचानक घर पहुंचते ही आपको न्यूज मिल जाती है, भाई दादा मर गया, 1 करोड़ आ गए, ऐसी तैसी मरा ले नौकरी। अब ये कौन खुश हो रहा है, ये कौन है? ये पल प्रति पल बदल बदल के पागल होना, माया में फंसना, ये इस मन का काम है। जब मन स्थिर हो जाता है, नौकरी छूट गई तो क्या हो गया, टाइम पूरा हो गया, भाई सेब आए थे, पतझड़ आने वाली है यार, सेब सड़ेंगे, उतार के खा लो, नहीं तो फेंक देगा पेड़ अपने आप, फेंक देगा सेब को, पत्ते भी फेंक देगा, तो क्या हो गया, छूट गई, पतझड़ आ गया तुम्हारा, फिर से बसंत आएगा, तुम पतझड़ का रोना मत रो, घबरा गए, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय हाय मत करो। जितने लोग ये हाय हाय करते हैं उनका कलेश है, हाय हाय कौन करता है, दर धर्म की बात करते हैं या पहले ले लूं, आई गई हाय हाय हो रही है। गुलाब का फूल कभी चमेली नहीं बन सकता, और चमेली का फूल कभी गुलाब नहीं बन सकता, वो कितने जोर मार ले, एक गुलाब के फूल को जिद बन गई, मैंने तो भाई अब चमेली बनना है, अब चमेली के फूल को देखना शुरू कर दिया, सपने लेने शुरू कर दिए, सीजन बीत गया, पत्ते झड़ गए, फिर दोबारा आए, फिर वही गुलाब का गुलाब, पर इस बार बेढंगा, क्योंकि वो स्वयं को प्रेम करता नहीं। तो अपने अंदर अपने बीज को देने की इच्छा जब त्याग दी जाती है तो गुलाब चमेली बन सकता नहीं और गुलाब रहता नहीं। जितने माता पिता के तौर पर पुरुष और स्त्री होते हैं जिनके बच्चे नहीं पैदा हो सकते, ये साधारण एग्जांपल में समझ आएगा, वो सबको इसलिए नहीं होते
क्योंकि वो हमेशा कुछ और चाहते हैं, कुछ और डिफरेंट चाहिए, अपने जैसा नहीं उसके जैसा। तो आप गुलाब होके, आप गुलाब होके चमेली बनाना चाहते हो, आपके द्वारा आपके डीएनए से आपके भाग्य का, आपके ऊपर कृपा का वही बच्चा आएगा जो लिखा है, जो होना है। आपको कृपा मिल गई, गुरु कृपा, या ज्ञान हो गया अंदर से, तो आप जानोगे क्या करना है। उसके लिए स्त्री के ऊपर है सारा, ये सारा स्त्री का धर्म है। कैसे बच्चे होंगे ये स्त्री के ऊपर है, सारी समस्याएं पढ़ लिख जाती हैं, ये ज्ञानी नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट पैदा नहीं करती ना, रेयरली हो जाते हैं, गरीब घरों से उठ जाते हैं करोड़ों अरबपति। क्यों? क्योंकि वहां की माँ प्रेम से सज होती है, चूज करती है, शांत होती है। अमीरों का तो कलेश ही दिमाग के अंदर खत्म नहीं होता, इस कारण से बीज खराब हो जाता है। बीज आगे की जनरेशन के लिए आप संतान देने वाले हो, वो बांझ हो जाते हैं, पुरुष जो होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं, किसी हालत में आगे नहीं बनता। अब हुए हुआए बच्चे, आपके जैसा वाला बच्चा है, ये मतलब मैं तो कहूंगा 100% ऐसा, 99 लगा देते हैं एक्सेप्शन शब्द से, माँ बाप को अपने ही बच्चे पसंद नहीं आते। ये ऐसा नहीं है, इसका काम ठीक नहीं चल रहा, ये इसका शक्ल बना के रखता है, ये हमारा वैसा नहीं बन पाया, ये वैसा नहीं बन पाया। आपका बच्चा जैसा है उसको वैसा बनाने के इच्छा मात्र से आप पुनः गलत सींच रहे हो। तो क्या होगा? जैसा बनाना चाहते हो वैसा तो बनेगा नहीं, गुलाब चमेली नहीं बन सकता। अब वो ऐसा वाला है, अभी आपका बेटा है, आपकी बिटिया है, जैसे वाले पसंद नहीं आ रहे, याद रखेंगे वो आपका सगा नहीं रहेगा कुछ टाइम बाद। जितने माँ बाप पीड़ित हैं कि मेरा जी बेटा या बेटी वैसा नहीं निकले, वो सब इसलिए क्योंकि अब उनको डिसअपॉइंट करेंगे, क्योंकि गुलाब गुलाब जैसा नहीं रहा, वो किसी हालत में वो उनके माता पिता का सगा हो नहीं पाएगा। इसलिए जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। गलत रास्ते जा रहा तब भी स्कूल को, गलत रास्ता कौन सा है? कोई भी मतलब की गलत काम करने के लिए पता भी लग जाएगा, आपको बताना तो पड़ेगा ना गलत रास्ता क्या है। हमें गलत लग रहा है तो रास्ता कौन ले रहा है? वो आप ले रहे, वो ले रहा है, तो वो ले रहा है ना, लेकिन आप तो नहीं ले रहे ना वो, तो आपको उससे क्या लेना देना? तो बेटे ये कर्तव्य तुम्हारा, तो कर्तव्य समझाना। ये क्या कहा लिखा कर्तव्य है? ये उपनिषद में नहीं लिखा, पुराण में नहीं लिखा, वेद में नहीं लिखा, और ये धर्म ग्रंथ है हमारे, उसमें कहीं नहीं लिखा। पालन पोषण भरण पोषण और रक्षा, आप वो बने जो आपके फादर चाहते थे, क्या आप एग्जैक्ट वैसे हैं जैसे उनका मन था? यानी आपने भी पाप किया, आप महापापी हुए, यही पाप आपका बेटा कर रहा है। ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं है। हर आपने पेड़ देखा है सेब का, ये ध्यान से देखेंगे, ये साइंस प्रूव कर चुकी है, एक भी फल एक जैसा नहीं होता, सारे अलग है। चार बच्चे एक माँ के, मेरे तीन बच्चे तो खराब निकले, यही लाडला अच्छा है। अरे चारों अलग होंगे, इम्पॉसिबल है, चार भाई एक जैसे। आपका वो गलत रास्ता दिख रहा है, आप मत जाओ, वो जा रहा है, क्यों गया पहले तो सोचो कि मुझसे ऐसी क्या कमी रही कि ये बच्चा वहां चला गया। यानी कि आपने उसे टोका ज्यादा, प्रेम कम दिया। प्रेम कौन देता है? जो धर्म में होता है। आजकल का धर्म है मत, जो आजकल का धर्म चल रहा है वो प्रेम छीनता है, वो डराता है। हर धर्म के अंदर ये लफड़ा है, देखना आपने कितने डरी हुई दुनिया। हरिद्वार में जाओ भाई साहब, भीड़ है, मरने जाते हैं। कौन जाता है हरिद्वार? कौन जाता चार धाम? सारे डरे हुए जाते हैं। जाने वाले से पूछ लो भाई कुछ पुण्य कमा ले, उसके अंदर अगर दूरबीन लगा के देखो ना खोपड़ी में, तो अंदर पाप झलक रहे हैं उसकी खोपड़ी में। कहेगा गलतियां हुई हैं जीवन में, अब थोड़ा प्रभु के धाम जाने से पहले, क्योंकि ना तो हम ढंग से खा पाते, ना ढंग से नींद आती, फिजिकल सेक्सुअल लाइफ हमारे बस की नहीं रही, तो करें क्या, पाप धोएंगे। अगर ये शरीर चलता रहता तो साले कभी ना जाते, यही करते रहते। अब डर गए हैं, सारे डरे हुए जाते हैं भाई। डर के लिए हरिद्वार में गंगा जाके ना लिए, बेचारी गंगा की जय तय फेर रखी है, क्या लेना देना है। अब तुम हरिद्वार जाते हो, मलमूत्र मत करो फिर, क्यों जाते हो उस नगरी में ऐसे गंदे काम करने, यही त्यागो मलमूत्र। कोई सोच के राजी नहीं, भीड़ चली हुई है, भीड़ चल चली, धर्म के नाम पे पागल बना के रखा हुआ, कंडीशनिंग कर रखी बड़ी शानदार। देखो जी हरिद्वार चले जाओ, चार धाम चले जाओ, फलाना कर लो, ठीक हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा? तुम अपने मन को यही ठीक करो, तुमने अपने मन से तो वही स्थिति बना के रखी, और ये कह दिया देखो मेरी बुक्स में क्या है, मैं वृंदावन जाता हूँ, वृंदावन कहना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि जो भी जाता मुझे ये कहता है वृंदावन जाते हैं हम ठाकुर जी के, हर महीने जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन से लौट के आते हैं और उस महीने साइन कर देते हैं पाप धुल गए, अगले महीने फिर जाते हैं फिर पाप धो लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर सही है, पाप धोने की मशीन है ठाकुर जी, ठाकुर जी नहीं हो गए, धोबी हो गए, सारे धोने के लिए रखे हुए हैं।
हाँ, अरे कोई सिर पैर है? ठाकुर जी को किसने रखा हुआ है? ठाकुर नहीं होगा, बेटा रामू हो गया। सभी लोग इसीलिए घूमने जाना है जी, कमाल कर दिया। घूमने जाने के लिए स्विट्जरलैंड जाइए, कुल्लू मनाली जाइए, कोई बढ़िया मॉन्यूमेंटल साउथ इंडिया घूमो, बाकी वहां पे आपको आनंद मिलेगा। आप वहां कहोगे मजा आ गया यार, कितना अच्छा लग रहा है, खाना देखो कितना टेस्टी है। आप हरिद्वार जाएंगे कहेंगे डरे 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 हे भगवान डरे डरे डरे। एक बार एक लेडी थी, उसके पास एक कुत्ता था, तो उसने क्या किया, कुत्ता बहुत मोटा हो गया, वेट लॉस नहीं हो रहा था उसका। अब उसने कहा इसका वेट लॉस कैसे करें, ये सब सुन लें समझ लें, वेट लॉस करने के लिए आप दूसरे को ट्रेन कर सकते हैं, पर इसमें कुत्ता शब्द ना करें। आज चूंकि कुत्ता हमारे शुरुआत से टॉपिक में चल रहा है, इसलिए मुझे शब्द बोलने को मजबूर हूँ। जो ब्राह्मण देवता ने मुझे बोला उनको संतुष्ट करना जरूरी है, वो मुझसे इसलिए भी नाराज है, ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत बोलते हैं, उन्हें पता नहीं मैं खुद ब्राह्मण हूँ। एक लेडी होती है, उसका कुत्ता होता है बहुत मोटा हो जाता है, और बड़ी परेशान होती है, खादुराम हो गया है साला, कैसे करे इसको भाई, और फिर खाता है, प्यार भी करते हैं, अब प्यार प्यार में होता है, खा रहे खा ले, अब क्या करे यार, तेरे को क्या मना भी नहीं किया जाता और चिंता भी हो रही है, तो बड़े परेशान होते। तो उसको गुरुजी से मिलते हैं, क्या करा जाए गुरुजी? बोले कुछ नहीं है, इसकी बॉडी को जो खाना खाना होता खा ही लेता है, बाकी तो मन की खाता है जबरदस्ती की, तो ऐसा करो इसकी बॉडी तो पेट भरने के बाद छोड़ देगी, इसके मन को ना साले को पीटो। कहते हैं मन कहां से गुरुजी, कुत्ते का मन कहां से निकाल के लाऊं, कैसी बातें कर रहे हो? बोले बेटा ट्रेनिंग है, अब ऐसा करना है, जब जब इसको खाना देते हो ना, चार दिन तक करना है, खाना देते हुए लगातार एक घंटी बजाना, खाना दिया, खाने से पहले घंटी बजाई, फिर खाना दे दिया, फिर घंटी बजाई बीच में, फिर खाना खत्म घंटी बजाई, हो गया। और अब वो जब जब खाना देव से बड़े परेशान मन से, कैसे गुरु घंटाला है बताओ, इसके मन को क्या करेंगे यार, वो घंटी बजाए, कुत्ते को खाना दे दे, कुत्ता खाना खाए, फिर बीच में एक बार बजाए, फिर लास्ट में फिर बजा दे खाना खत्म होने के बाद। भाई चार दिन बीत गए, चार दिन बाद उसने गुरुजी अब क्या करना है? बोले बस अब खाना मत देना, सिर्फ घंटी बजाना। अब वो सुबह उठे और उसने घंटी बजा दी, कुत्ते के मुंह से राल टपकने शुरू हो गई। ये होता मन, बॉडी को भूख लगी नहीं लगी, कुत्ते के मुंह से राल टपकने शुरू हो गई, कुत्ता परेशान, खाना खाए, भौं भौं भौं, उसने बीच में फिर एक घंटी बजा दी, वो परेशान, यार इंटरवल हो गया यार, ये तो समझ नहीं आया मैं तो, ये तो इससे मैं मालकिन क्या कर रही है, साले इसी को काट हो, तंग हो गया। फिर उसने आखिरी घंटी बजा दी, साले मेरे चेहरे पे नकाब लगा के फिल्म दिखा दी, पूरी खत्म हो गई, कुछ हुआ ही नहीं यार। फिर उसको दूसरे टाइम पे खाना दे दिया नॉर्मल विद घंटी, फिर तीसरे टाइम पे खाना दे दिया नॉर्मल। अगले दिन फिर चार दिन के लिए यही कार्यक्रम किया, तो वो बड़ा परेशान होने लगा, बॉडी उसके लिए, उसका मन बड़ा परेशान होने लगा। चार दिन के बाद बॉडी ने क्या किया, दो दिन का जो दो टाइम का खाना खाया उसने, दो दो बार का एक दिन, तो उससे बॉडी पेट भर के सेटल होने लग गई। दसवें दिन उसने क्या किया, तीन बार के टाइम में दो बार सिर्फ घंटी बजाई, एक बार खाना दिया, और 15 दिन बाद बॉडी उसके लिए भी सेट हो गई। और कुत्ता तो ऐसा अच्छा रहा, माल सा मक्खन सा बन गया कि पूछो मत ना। यानी कि क्या ट्रेनिंग करा के दी महाराज ने, उसके मुन्ना को भटका दिया। देखो स्वाभाविक घटना क्या है, भूख लगी, हाँ बढ़िया भोजन आया, खाया जाएगा, आपका पेट भरा हुआ, दुनिया का सबसे बढ़िया खाना रसगुल्ला व्यंजन ले आओ, आप कहोगे बढ़िया यार, लेकिन भाई अब, और कुछ ऐसे हैं कुछ कहेंगे डकार इनो खा लेंगे एक दे ही दे यार, ये तो राजा आ रहा है तो जगह बना ही लेगा, वो मोटा हो जाता है। तो आपकी बॉडी आपको संकेत देती है, बॉडी क्या कहती है, संतुष्ट हो गए यार, नींद बुरी हो गई, संतुष्ट हो गए, उठ गए, काम नहीं करना, दर्द हो रहा है यार, बॉडी बता रही है दर्द हो रहा, रुक जाओ। बॉडी की बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, भोली है बेचारी, फॉलो करती है। आप क्या कर रहे हो, उसको तड़पाने में लगे, तो टॉर्चर कर रहे हो, घसीट रहे हो, बीमार पड़ जाती है। 12% ने 72% को 6 गुना को कम से कम 6 बार तंग करना है, तब होगी ऐसी की तैसी, अदरवाइज कैसे हो सकता है। अब यही किसी गुरु के अंडर है, मान लो एक धावक है, वो दौड़ता है, दौड़ लगाता है दुड़की, और रेस में फर्स्ट आने के लिए उसने भाई साहब टाइम क्लॉक बीट कर देनी है, एकदम स्पीड से जाना है। अब उसका मन क्या कर रहा है, बहुत दौड़ लिया, दर्द हो रहा है, बेटा ये दर्द सह, बॉडी 72% काम कर चुकी है, मन को सहना सिखा रहा है, मन क्या कह रहा है, उफ उफ, बोले नहीं बेटा सह, 12% 72 के साथ जुड़ेगा। यानी कि जब आप कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हो, ये शब्द ऐसे नहीं बना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बॉडी को बोलोगे वो तो फॉलो करेगी,
बॉडी बहुत भोली है, बॉडी ने तो आउट परफॉर्म कर देना है, आपके मन में जीत है, मन में निश्चय दृढ़ है, मन में प्रेम है, 101% ठीक। मन में क्या है? मन में धर्म है। और धर्म क्या सिखाता है? देख भाई गलत काम किया ना, ये हनुमान जी ना भाई तेरे को गदा मार के मार देंगे जान से, डरा रखा है, अल्लाह सजा देगा, जीसस क्राइस्ट ये कर देगा, राम के तुम नाम ले रहे हो, राम देखना भाई साहब कृष्ण नाराज हो जाएगा। ये डर जो है इसके कारण से बॉडी बेचारी और सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ी हुई बॉडी के ऊपर 72 का मान लो 40 ही रह गया तो 12% 3 बार में कुलाचे मार के पहुंच जाता उस पर। आपके मन को जितना अपने डर प्लेस कर करके बॉडी का नाश पीट रखा है उतनी जिंदगी आपकी नरक है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, सभी प्रश्न आया कि बेमन से काम करते हैं, बेमन, ये बेमन क्या हो? बड़ी मजे की बात आपने ऑब्जर्व किया होगा, कोई बिटिया है जी, वो कहती है मेरी सास मुझे बड़ा तंग करती है, बड़ा बेमन से जाना पड़ता है उसके साथ। अब वो शाम होती है, वो कहती है हस्बैंड आएगा, मैं उसके साथ घूमने फिरने जाऊं। सास कहती है चल बिटिया घूम के आते हैं। अब वो कहती है यार सारा इस बुढ़िया के साथ कौन जा रहा है, पर जाना पड़ेगा, क्या करें। अब क्या समस्या हो रही है? मन कर रहा है नहीं जाना, ये कौन है? बॉडी जाना चाहती है हस्बैंड के साथ, बॉडी नहीं चाहती सास के साथ जाए। मन का क्या लेन देन? मन का, मन ने बॉडी के साथ दे दिया कि हस्बैंड के साथ जाए। अब हस्बैंड के साथ जाएगी 12, 72, 84 बनेगा और बड़ी स्वस्थता से घूम फिर के आएगी। अब क्या कर रही है? मन को मारना पड़ रहा है उसे। अब बॉडी कहती है तो ठीक है बॉस जाना नहीं है, नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर क्योंकि मजबूरी बस जाएगी जी, कर्तव्य निभाना फलान ढिमकान। तो बॉडी जाना नहीं चाहती, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, बॉडी बीमार होगी, एक दिन में नहीं होगी, 40 दिन जाएगी, और आप कुड़ते कोसते रहोगे धीरे धीरे धीरे, बॉडी खुद को और रोकेगी, फिर बीमार पड़ेगी, फिर आप दवा लोगे दवा से ठीक होगे, फिर दोबारा पड़ेगी, कई साल में जाके यह हाल हो जाएगा, बॉडी कहेगी बस अब नहीं, अब मैं बोलोगे भैया अब किडनियां गई या जो भी हड्डी गई, अब नहीं हो सकता। तो बॉडी को हीलिंग कैपेसिटी अंदर अनंत है, अनंत 72% है ये। मन कब मरता है? साला हर छठे दिन मरता है। बॉडी कब मरती है? एक बार सोचिए कितनी ताकतवर है बॉडी, बॉडी नहीं रोज मरती, मन तो हर दूसरे घंटे में मर जाता है। हाय मेरा मन ही मर गया यार, मन ही खट्टा खट्टा करते हैं सबसे पहले तो, मन को खट्टा कर देते हैं, खट्टा मन, ये बहुत बड़ा जरूरी चीज है। मन खट्टा की बात क्या होती है बताता हूं मैं। एक हमारा रह गया स्त्री, स्त्री के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसी संतान आएगी, वो प्रेम से पोष रही है या वो भी डर से पोषण कर रही है। गर्भ के समय डरी हुई स्त्री के बच्चे उसके सगे नहीं होते कभी, वो डरी रहती है, हाय पता नहीं क्या होगा। आजकल मम्मियों का यही हाल है, पता नहीं कैसे होगा, हाय मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, हाय ये तो संगत ही बड़ी खराब है इसका, तो ये भजन सारे डर के भजन। अगर आप मस्त हैं, मलंग हैं, इजी हैं और कर्तव्य परायणता से ध्यान दे रहे हैं, कर्तव्य को समझ लें, बच्चे को ममता देनी है, ममत्व देना है, साथ देना है, मित्रता देनी है। ममता बिना कुर्बानी के नहीं हो सकती, प्रेम बिना सेक्स के नहीं हो सकता, सेक्स बिना प्रेम के हो सकता है। अनलिमिटेड भक्ति कुर्बानी मतलब टोटल एडजस्टमेंट, भक्ति बिना प्रेम के बिना सेक्स के होती है। जो बाकी चीजें हैं उसमें दूसरा व्यक्ति चाहिए। आप स्नेह भी दूसरे से ही कर सकते हो, स्नेह भी यही चीज है, स्नेह में दूसरे से हमें कुछ चाहिए ही नहीं होता। स्नेह और प्रेम में फर्क है, स्नेह देने वाला प्रेम है, जो स्नेह है और ममत्व है मां का ये काम है करना, यानी अंडर एनी सर्कमस्टेंस वो साथ खड़ी है बच्चे के। आजकल बहुत बेटे खासतौर से ऐसे बिगड़ जाते हैं, बेटियां बिगड़ जाती हैं क्योंकि मम्मियां पिता से छुपाती हैं ये कहां गया था, कहां गई थी। बेटे को बाप कहता है साले तेरे को पीट दूंगा, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जायज बात है, पर एग्जांपल मां जरूर रोकती है, वो जरूर कहती है नहीं, वो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इसी शह के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं, अक्सर यही होता है। कई सुधर भी जाते हैं, मां के अंदर ममता हो, प्रेम हो, डर ना हो, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। मां के ऊपर इसलिए बहुत बड़ा दायित्व है कि वो डर में ना रहे, भय से आक्रांत, भय से जूझ रही मां के बच्चों के साथ समस्याएं आती ही आती है, इसलिए भय से मुक्त करा देने वाला ही आपके लिए एक प्रकार का गुरु है। यदि पति के साथ रहते भय से मुक्त हो रहे हो तो पति ही आपका गुरु है। पति शब्द का अर्थ पता है किसी को भी पता है? नहीं पता यार, कमाल हो गया ये तो, कमाल नहीं, कोई फटी बटाई धोती का रुमाल हो गया। मैं बताया था, देखो एक होता है धनपति, एक होता है भूपति, जमीन का मालिक, धन का मालिक, एक होता है करोड़पति, करोड़ का मालिक, पति होता है मालिक, ये शब्द ही ऐसा बनाया गया है। और पत्नी शब्द क्या होता है? जिसका कोई मालिक है। ये शब्दों के अर्थ हैं, ये जो हम आए दिन बोलते हैं,
अगर पत्नी ऐसे बोले मालिक तो वो पहले बोले ही ना, मालिक शब्द नहीं बनता। मालिक कौन है? कौन है हम सबका मालिक? ईश्वर है मालिक, यानी कि उसमें ईश्वर को देख डाला। यदि आपने, ये सादा एग्जांपल है, मैं बीपी के पेशेंट जो आते हैं उनको मैं एक्सरसाइज बताता हूं कि उनसे पूछता हूं तुमसे क्या चीज है जो एक्सेप्ट नहीं हो रही लाइफ में। वो कहते हैं यार जॉब नहीं एक्सेप्ट हो रही है, यार बेटा मेरा ऐसे करता है, बच्चा वैसे करता है, बीवी नहीं सुनती है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो एक ही एक्सरसाइज है उनके लिए, जो तो जेन्युइनली कर लेता है उसका बीपी ठीक हो जाता है, और जो नॉन जेन्युइनली कर लेता है वो दोबारा आता रहता है कि, और फिर गाली भी बकता रहता है। जेन्युइनली क्या करना है कि हे मेरे पति मैंने तुझे एक्सेप्ट किया, हे मेरे बेटे मैंने तुझे एक्सेप्ट किया, हे मेरे घर मैंने तुझे एक्सेप्ट किया, अब तू भी मुझे एक्सेप्ट कर। ये पूर्ण कमांड है। हम आते हैं साला घर ही ठीक नहीं है यार, यार जिंदगी हो गई यार, भजन ही नहीं है यार, चलो अगले दिन फिर आ गए, फिर भजन। अब उस घर में आपके महीने दो महीने बाद औरा का सत्यानाश हो जाएगा, खोपड़ी खराब होगी, और आप पत्नी कहती है अक्सर बाहर तो इस सबके साथ अच्छे, मेरे से भी लड़ते रहते हैं। वो घर में ही लड़ता है, बाहर जाके तेरे साथ नहीं लड़ेगा। मकसद क्या है? औरा का सत्यानाश हो गया है, औरा का सत्यानाश होगा, औरत का भी सत्यानाश हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको पूरी कमांड देनी है कि मैंने अपने जीवन में अपने घर को एक्सेप्ट किया, और हे घर तू भी मुझे एक्सेप्ट कर। लगातार अपनी औरा अपने में कैसे रख सकते हैं? मौन, मुन नंबर जाता है मौन में, मौन में मर जाता है। शरीर का मौन कुछ नहीं करना, बुद्धि का मौन सब माया है, क्या देखे यार, क्या है, किन चक्रों में लगे साला। और कभी बहुत ही आग लग जाए कुछ करने की, तो बहुत आग लगी मुन्ना को होती है। तो ऐसे में थोड़ा सा कुछ बॉडी का काम, कुछ नहीं, ऑब्जर्व करो। सबसे पहला काम आंखें बंद कर लो, लंबी सांस लो। मुन्ना करने नहीं देता ना उस सिचुएशन में भी, मुन्ना तो कभी नहीं करने देगा। यही तो बात है, सत्संग का मतलब क्या है? ज्ञान। ऐसे अटपटे टाइम के अंदर जब ऐसी सिचुएशन आती है, अटपटा टाइम नहीं होता कोई भी, पीछे जाना पड़ेगा। आपको गुस्सा आया, गुस्से से पहले क्या हुआ? अटपटा टाइम आया। अटपटा टाइम क्यों आया? क्योंकि आपकी मेमोरी में है ऐसा वाला ठीक है, वैसा वाला गंदा है। ये कंडीशनिंग है, ये संस्कार है। आपकी मेमोरी में कंडीशनिंग क्या है? आपने हर समय गुलामी करी। पर सर इतनी इंक्वायरी उस समय, जैसे मैंने अभी बताया ना कि कुत्ते के लिए घंटी बजाई और उसके मुंह में पानी आ गया। अब छोटी उम्र से जाता है बाप बच्चे को लेके, बेटा भगवान जी है, ढोक लगाओ। वो कहता कहाँ है? वो कहते ये ना देख कौन है, हनुमान जी है। तो पत्थर है, फत्थर है, पापा फत्थर है। अबे वैसे नहीं बोलते, थप्पड़ पड़ेगा तेरे। कहता है थप्पड़ तो मुझे पता है, प्यार से डर लग रहा है, थप्पड़ से जरूर डर लगता है मुझे। आपके पास आने के बाद 20 साल की पुरानी मेमोरी देखा, साल भर में भूल गई। आपने झाड़ू लगाने दिया, आपकी बड़ी दया है, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अब वो क्या होता है, बच्चे को सत्य पता है, अबे पत्थर है ये, बाप ने कहा है। बाप कहता है अच्छा मुझे पीट पीट के, मेरे बाप ने बचपन से सिखाया हनुमान जी ने क्या कि धोखा लगाओ। अब क्या हुआ, घंटी बजी, राल टपक गई, ऐसे ही सड़क पे चल रहे, मंदिर दिख गया, कोई सिर पैर नहीं, कोई डरे हुए क्यों? भगवान जी नाराज नहीं, नाराज नहीं, तेरे को पता है स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, अबे नरक भी होता है। बोले नरक क्या होता है पापा? देख हिंदुस्तान में कितनी सड़ी गर्मी है ना, हमारे नरक में एक्चुअली है ये, हमारे नरक में तेल के कढ़ाई है, हवा तो उबलता हुआ गर्मी है, देख कितनी गर्मी, दिक्कत है ना, इससे भी गर्म है। कई धर्मों में ऐसे अंग्रेजों का है, तिब्बतियों का है, उनका ठंड भयंकर होती है, भयानक ठंड होती है। उनके धर्म में कौन सा नरक है भाई साहब? ऐसी बर्फ के किले में फंसा दिया जाएगा तुमको, जो बर्फ कभी पिघलती नहीं, तुम फंस जाओगे, ठंड में मर जाओगे। बॉडी ठंड जानती है, साले इतनी ठंड, नरक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये सब साली मैनिपुलेशन है, सब ड्रामा है, सब कंडीशनिंग है, ये बेले बकवास संस्कार है। इसलिए जब आपकी ये संस्कार टूटेगा कि अच्छी बात है गंदी बात, तब आपकी बुद्धि ऑन होगी, बुद्ध कि मैंने क्या सीखा, पढ़ ले। संस्कार रिलेटेड नहीं है, और एक ऑल ऑफ अ सडन कुछ आता है जो हर मेमोरी से, हर चीज मेमोरी से है। एक जैनी बच्चे के सामने डायरेक्टली एक मुर्गा आ गया काटा हुआ, ओके का है, सारा कुछ मेमोरी से कनेक्टेड है। इसलिए आपकी मेमोरी सारी मुन्ना के पास है, और मुन्ना ने आपको टिंकू को इतने सालों से पैक करके रखा है, और उसमें पूरा 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 श्रेय आपके माता पिता का, पूरा श्रेय आपके संस्कार देने वाले धर्म का। धरती पे 180 करोड़ मुसलमान है एक रिव्यू के जरिए, 240 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, 110 या 15 करोड़ के करीब हिंदू हैं, और मजे की बात देखेंगे आप 150 करोड़ ऐसे हैं जो भगवान को मानते नहीं। ऐसे ऐसे धर्मों में हैं, जैसे बुद्धिज्म है उसमें धर्म में भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा वगैरह नहीं है इसमें, जैनिज्म में नहीं है। ये ऐसे धर्म है जो भगवान गया तेल लेने है ही नहीं,
मजे की बात देखें आप, कैसे कैसे अलग अलग किस्म की मान्यता है, और ये क्या ड्रामा, ये ड्रामा ही तो सारा। जी तो सारे रहे, अमीर गरीब तकलीफ प्लस माइनस तो सबकी होती है, किसके भगवान ने किसको बचा लिया, सबको तकलीफ हुई है, जब भगवान खुदा है उसे भी तकलीफ हुई। इसलिए इंसान ने ये स्वर्ग नरक के लफड़े बना के रखे हुए हैं। हेल और हेवन सिर्फ इसीलिए है कि भैया डर के रहो। जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करना सीख जाता है वो उसको जेब में लेके घूमता है, जो स्त्री पति से प्रेम सीख जाती है वो उसे भी जेब में लेके घूमती है। लफड़ा क्या है, कई होते ना देखे ना आपने, माँ बाप छोड़ देते हैं लड़के घर शादी के बाद, क्यों छोड़ देते हैं, वो इतना प्रेम मिलता है पत्नी से। ऐसा कुछ नहीं है कि डायन ने चुड़ैल ने उसको ना तीतर के बटेर के जो पंख के जला के साथ में कौए की बीट के साथ खिला दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने प्रेम दिया है। घर बैठे माँ बाप टोकते रहते हैं उसे खुशी नहीं होते। एनकरेजमेंट का शब्द, प्रेम का शब्द अब देते हैं ना तब होता है। जितने लड़के गंदी संगत में जाते हैं, लड़कियां गंदी संगत में, वहां क्या होता है, दोस्तों के बीच गए वो कहते हैं वेलकम वाओ आओ, घर में वही माँ बाप कहते हैं नलायक गधे मूर्ख कहां से पैदा हो गया हमारे घर में साले, टोटल डिसअपॉइंटमेंट। कई बार औरतों ने क्लेश भी दिया होता तो भी अलग कर लेती है। हाँ लड़ाई है ना, हर व्यक्ति लड़ाई से दूर जाना चाहता है। आप और मैं बैठे हैं लड़ रहे हैं तो कितनी देर बैठेंगे, कहेंगे थोड़ी देर में बाय दफा हो, कितना देर रहेंगे। आप प्रेम से गप्पे मारो एक पैक 4 घंटे चलेगा, मतलब ये तो ज्यादा बोल दिया, 4/4 हो जाएगा तब तक। ऐसे गलती भी तो होती है इंसान से, 4 वाला बना लेंगे पटिया, वो आपसे सीखेंगे। देखो जिस चीज की नॉलेज, 4 पी लेगा फिर कहेगा 1 हो गया। हाँ ये देखो एक्सपीरियंस अपनी जगह होता है, हम नौ सीखियों को क्या मालूम, तो इसलिए ठीक है आपको होना आवश्यक है, बहुत जरूरी होता है। और क्या था जी, एक है ऑब्जर्वेशन, भाग्य कर्म, एक सोते समय। अच्छा बड़ी मजे की बात होती है, 72% ये ब्रेन कहता है टिंकू भाई अब ना बैटरी ऑफ है, रिचार्जिंग कर रही ढंग से, अगले दिन के लिए अब सो जाते होते हैं। ठीक है अब मन का काम क्या है, अनलिमिटेड पावर्स हैं, ये सोता ही नहीं। हमारे अंदर मुन्ना सोता नहीं है, इसका साक्षात एग्जांपल है कि सारी रात गाने चलाता है, नहीं समझ आया तो डरावने सपने दिखाता है ताकि अगले दिन मेमोरी में जाके हम डरें और अगले दिन उठ के बोलें हाय ऐसा तो नहीं हो जाएगा। फिर वो दादाजी को बोलते हैं और दादाजी ये कांड करके दे देते हैं। मेरे पास कोई आते हैं, एक अच्छा प्यारा बच्चा है इस समय, मतलब अंधा पैसा अंधा, और दिल का इतना राजा आदमी है कि वो अभी पहला दिन भूला नहीं, और इसीलिए प्रेम और सम्मान देता है, ऐसी फालतू का ब्लेम देता है मुझे कि आपके पास आने के बाद हो गया। मैं कहा साला अपना तो हो नहीं रहा, तेरा कहां से हो गया, मैं खुद जलन के मारे मारा हूं, अपना भी बतेरा हो गया, कोई कसर नहीं है भगवान ने छोड़ी। मकसद कहने का, उसके पास क्या समस्या थी कि उसने बचपन में गुस्से में आके किसी समय छोटी उम्र में शिव जी के मंदिर में जाके लिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जूता मार दिया था, क्रोध में मार दिया, मैं नाराज हुई, बच्चा है, इसे बेहोश बोलते हैं ना, बच्चा है, उसने बेहोशी में मार दिया। जैसे वो एक फकीर था तो उससे किसी ने पूछा भाई क्या कैसे हो, आपका पास्ट का कुछ बताइए कुछ, बोले मैं एक लड़की के प्यार में दीवाना था। बोले हाँ कितनी सुंदर बात, आओ चाय चाय मंगाते हैं। तो बोले फिर क्या हो, बोले बस मैंने उससे रोज मिलना रोज देखना, जिस दिन बात हुई मैंने उससे बोल दिया तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, दुनिया की सबसे सुंदर। तो बोले फिर क्या हुआ, बोले फिर क्या वो शादी हो गई और फिर उसके बाद अब मैं फकीर हूं। बोले वो सुंदर मुंदर निकल गई। बोले पर ये क्या हुआ, बोले बेहोश था मैं, बेहोश, किसी को दुनिया की सबसे सुंदर औरत बोल रहा हूं मैं, बेहोशी तो था। जो बेहोशी में काम हो रहा है वो मूर्खता है। ऐसे ही राजा के पास एक व्यक्ति गया तो उसने गाली बकी, राजा ने उससे पूछा यार मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ बोला नहीं, जानता नहीं तू मुझे क्यों गाली बका। वो महाराज गलती हो गई, शराब के नशे में था, बेहोशी थी, आज मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांग, आज महाराज मैं होश में हूं। यानी बेहोशी में मूर्खता होती है। तो जितना आप क्रोध कर रहे हैं, जितना बेवकूफी कर रहे हैं वो बेहोशी में है। आपको अभी होश है, गुस्सा करके दिखाओ, चलो एनीवन, कौन फर्स्ट आना चाहता है। पता होने के बाद क्रोध करना तो ड्रामा है। पता होने के बाद क्रोध नहीं किया जा सकता। पता किसको है, पता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, गुरु अन हो गया। आप अपने आप को रीड कर रहे हैं, आप दुनिया को तो रीड करते हैं ना, मैं देख रहा हूं ये लड़का गलत रास्ते जा रहा है, ये लड़की ऐसे कर रही है, आपने कभी देखा तुम किस रास्ते जा रहे हो, खुद को देख लेना इस गुरु। नौटंकी वाला क्रोध भी तो होता है ना। वो ईगो का है, जब आप अहंकार भी कर रहे हैं और जानते हैं कर रहे हैं, तो मुन्ना गुरु के अंडर 12% 72 को दे रहा है, ताकत बढ़ रही है, वो अहंकार आपका जायज है, वो क्रोध जायज है, आपको पता है आप क्रोध कर रहे हो तो आप क्रोध थोड़ी कर रहे हो, ये तो दूसरे के लिए कर रहे हो। 12% ताकत मुन्ना की भी ले रखी है, अगले का बैंड बच जाएगा, क्योंकि आप पेडेस्टल ऊपर के लेवल पे बैठे हुए हो, यहां से शुरू होता है थर्ड आई। थर्ड आई है कॉमन सेंस, यार गुस्सा आ रहा है साला हम कर रहे हैं, हमें पता आ रहा है,
तो कर रहे हैं, इसलिए बेहोशी में होता है, तो उसने बेहोशी में जूता मार दिया शिवलिंग के ऊपर, ये सच्ची घटना है, उस बालक से मिलवा सकता हूं मैं। अब क्या हुआ जी, अब तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, पाप हो गया, जब तक पता नहीं था तब तक वो ठीक था, अब उसका पाप हो गया, अरे तो बड़ा गुनाह हो गया। वो आज तक जीवन में, मतलब एक साल से छोड़ा उसने डरना, आज तक जीवन में पिछले एक साल पहले तक डरता ही रहा, पूरे जन्म डरा है, हाय गुनाह नहीं हो जाए, गलती ना हो जाए। अब अंदर क्या हुआ, दादाजी तक मैसेज क्या गया, है बेटा क्या, अच्छा पाप हो गया है, अच्छा आगे क्या करना है, हे भगवान कोई गलती हो जाए भले मुझे सजा दे देना, मेरे से पाप ना हो। अब उनके पाप कौन से, इसका दिल दुखा दिया, ले पाप हो गया। बेचारे गरीब आया था, उसने ये किया, आए आए ये मुझे बद्दुआ दे देगा। अंदर दादाजी ने फिक्स कर लिया पिंगू के आगे कि तेरा पाप शुरू, बेटा जैसे ही पाप आएगा तेरी बॉडी खराब कर दूंगा। उस व्यक्ति को इतनी बीमारियां हैं, उसके खानदान में सबको बीमारियां हैं। मैंने एक साल से बोला मंदिर जाना छोड़ दे, भगवान को आउट कर दे लाइफ से, पिछले एक साल से उसकी सारी बीमारियों के इलाज चालू हो गए, उसके उसके बच्चों के, घर के, पत्नी के, हर किस्म के, और हैरानी की बात है वो रिकवरी पे जा रहा है। तो ये कहते हैं कैसा होता है भगवान, मैंने कहा बेटा भगवान कैसा होता है इस चक्कर में मत है, मुझे फॉलो ही कर ले, जैसे तू फॉलो करता है, पर भगवान से डरता है। पूरे जन्म उसने डर डर के, हाय पाप ना हो जाए, हाय गलती ना हो जाए। उसका यार गाड़ी चल रही है, चलते चलते भोले बाबा, अबे भोले बाबा हाजिरी लगा दी हमने, हनुमान मंदिर जाते हैं हाजिरी, उससे क्या होगा, डरे हुए, अगर नहीं गए तो सजा मिलेगी। वो हाल है कि किसी को बोला गया कि मंदिर मंदिर के चक्कर मत फंसो, अब ट्रेंड है संस्कार कंडीशनिंग, चले मंदिर क्रॉस आया, नहीं आज नहीं करूंगा नमस्कार, 15 कदम आगे गए बॉडी को पसीना आ गया, बोले यार तो मरे जाऊंगा, वापस पलटे गए भगवान के पास, 2 बार नमस्कार किया, पसीना ठीक हो गया। सोचो ये ऐसा एक्चुअली होता है, सारा ये मुन्ना का खेल है, मुन्ना हावी है, अच्छा बॉडी जा रही है मस्जिद के आगे से, कंडीशनिंग नहीं है, कुछ नहीं होगा, जो इस्लाम को मानता है मंदिर के आगे से जा रहा है उसे कुछ नहीं होगा, ओसीडी बन जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हमारे ब्रेन के अंदर होता है एरिया, वो खराब हो जाता है। पर ऐसे में सर जो फ्लेक्सिबल होता है कि कभी कर दिया कभी नहीं किया, डजंट मैटर, 150 करोड़ ऐसे ही है, करा नहीं करा लिंक ही नहीं है, इसमें से ही ज्ञानी निकलते हैं, इसमें से एक भी नहीं निकलेगा, इसी में से ज्ञानी निकलेंगे जो अल्टीमेटली कहेंगे कण कण में ईश्वर विद्यमान है, E=mc2, एनर्जी गिव्स चिज्जी विद लाइट स्पीड, स्वाधिष्ठान से ऑन होता है ये 150 करोड़। हमारे कृष्ण ने किसको पूजा, किसी को नहीं, बुद्ध ने किसे पूजा, किसी को नहीं, परशुराम ने किसे, जितने हमारे भगवान मानते हैं दशावतार वो किसको पूजते थे पहले पता करना जरूरी है, ये बात कही जा सकती है, चलो भाई वो शिवजी को पूजते थे यार, अब शिवजी बड़े मजेदार देख लो यार, शिवजी का मजा कमाल है यार, गांजा चाहिए यार, भांग चाहिए, भांग चाहिए, क्या मस्त बात है, हमारा धरती का सबसे बड़ा देवता भांग के नशे में रहता है, क्यों रहता है वो, कितनी बड़ी साइंस होगी इसके पीछे, जो धर्म के गुरुओं ने हमें एक नशेड़ी भोगी सेक्स का देवता मानते हैं, उसे तमस का देवता है वो, मृत्यु का देवता है, रिसरक्शन दोबारा से बनाने वाली चीज जी का देवता है, क्यों पिता भांग। हमने क्लास की थी पहले कैंसर एंड आई ब्रेन, उसमें मैंने बताया था कैनबिस सब तो फॉरन में ऑन हो गई है, पीछे हमने हाउ टू क्योर कैंसर क्लास भी की थी, तो उसमें ये चीज बड़ी काम की है, जितने सेल्स एक्साइट होकर के रिवोल्टिव हो चुके हैं, रोग हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, उन सबको भांग सुला देती है और वो उस दौरान डेड हो जाते हैं। ये विदेशों में अब तो मेडिसिनल यूज में कैनबिस कहते हैं इसको, भांग वहां पर बिकती है, सच में बिकती है, अमेरिका जैसी कंट्री ने, कनाडा ने, उन्होंने ओके कर दिया कि हाँ भांग पिलाओ कैंसर पेशेंट को। सोचो कहाँ जा रहे हैं वो, शिव की कृपा में क्या हो रहा है, सेल्यूलर लेवल पर रोग सेल्स को सुला दिया जाता है, कितनी गजब की साइंस है, हमारा धर्म नहीं है ये, साइंस है टोटल। पूरे शिव जी डिस्क्राइब करूंगा तो क्लास ही कहीं और चली जाएगी, पहले कई बार हो चुकी है, शिव पे क्लास भी है, कि वो पानी का क्या लफड़ा है माथे पे, साला ये लंगोट लटका रखा है, हिरण की खाले क्या लफड़ा है, पार्वती का सेक्सुअल लाइफ का क्या लफड़ा है, अपने बच्चे कभी क्यों नहीं हुए उनके, गणपति का मैं बता ही चुका हूं, ये सब सिंबॉलिक है, ये सारा का सारा क्या है, इस अर्धनारीश्वर यानी कि शिव है, कोई भय नहीं है साला, ऊपर से इच्छा ही नहीं, तीसरा मैं नहीं है, मूलाधार गया तेल लेने, पशु चक्र गया ऐसे की तैसी, स्वादिष्ठाना है ही नहीं, क्या रह गया, शुरुआती भाड़ में जैसे होती है और अनंत है, सहसारा तक कहां की यात्रा है सोचिए, और कौन से किसको पूछते रहे, अब शिव किसको पूछते हैं, नहीं वो तो सबसे मतलब विष्णु जो मतलब, और वो जो
अरे ये रजस तमस सत्य है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब साइंस है, कोई किसी को क्या पूछे। स्वयं के अंदर जिस व्यक्ति ने ईश्वर को जान लिया उसने जी लिया, बाकी सब माने हुए डरे हुए हैं। मंदिर जा रहे डर डर के जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं घूमने फिरने जाओ, पिक्चर विक्चर देखो, ऐश करो यार, पार्टी करो, नाचो खाओ, क्या बेले चक्रो टाइम वेस्ट करते हो। पुजारी जी के नाम पे मंदिर के अंदर 100 का नोट चढ़ाते हो, 500 चढ़ाते हो डर के मारे, तो अपने लिए कुछ लेना हो 10 रुपए कम कर दे भैया, क्या फायदा, खाओ उड़ाओ। ईश्वर स्वयं संतुष्ट होता है कहां, अंदर नाभि पे बैठा है वो, अंदर पूर्ण संतुष्टि लेता है। आप जितना ज्यादा मुन्ना को ताकत दिए बैठे हो उतना ज्यादा आपकी बॉडी को हार्म करेगा, आपकी सेहत खराब होगी, आपकी पोटेंसी खराब होगी। एक बार एक राजा था, उसके 3 शिशुपाल थे, 3 बाल गोपाल। अब उसने कहा यार राजगद्दी में बिठाना, साले कौन सा लायक है न लायक है पता ही नहीं चल रहा है, तो बड़े प्यारे और मैं बाप हूं, मैं अंधा हूं, मुझे दिखना तो है नहीं, प्यार में पागल होता बाप क्या करे, उसका प्यार डिफरेंट होता है माँ से। अब उसने कहा यार मैं, मंत्री ने सुझाया इन तीनों को एक एक बोरा गेहूं का बीज दे दो और 1 साल बाद आओ लौट के आप तीर्थ यात्रा पे जाओ। तीनों को बुला के उसने पकड़ा दिया, लो भाई ये गेहूं दे रहा हूं बीज में, 1 साल बाद आऊंगा वापस चाहिए। तो पहले बेटे ने उसको तिजोरी में रखा, डबल लॉक लगवाया और किले के सबसे अंदर के गुफा के अंदर पहुंचा करके पहरेदार तैनात कर दिए और बस दिन रात रक्षा हो रही है उसकी कि बाप ने रखवाया, हो ना हो कोई बड़ी बात है। दूसरे ने क्या किया, मंदिर में सजवा दिया, भगवानों की मूर्तियां लगवा दी और बोले भाई ऐसा है अखंड जोत जलेगी, पूरे साल सत्संग होएगा, भजन माला जाप और संकल्प क्या है, हे भगवान तो धरती के हर जीव की रक्षा करता है, इन दानों की भी करना। उसने देव ढोल मंजारे भजन कराना शुरू कर दिया, अनुष्ठान हो गए जी दुनिया भर के, 1 साल चले पूरे। तीसरे ने क्या किया, तीसरे ने सारे किसान बुलाए दाएं बाएं और उनमें बीज बटवा दिए। 1 साल बाद बाप लौट के आया तो बोले भाई बताओ, पहले वाले ने ले गया गुफाओं में, खुलवाया देखा सड़ गए। उसने कहा उफ कितनी ज्यादा बड़ी स्थिति थी, संभावनाएं थी जीवन की, बीज तुमने नष्ट कर दिए, किसी लायक ना बचना यानी संभावनाएं नष्ट कर देना डर के कारण। दूसरे ने क्या किया, अंधविश्वास के कारण भजन चल रहा है, उन दानों का क्या होना था, अचार डलेगा, बदबू आ गई, सड़ गए। अब वो बेटे से बोला बेटा क्या किया, भगवान मुझसे नाराज है पिताजी, शत्रु देश के राजाओं ने कुछ किया, मेरी गलती है ये तो कोई बोलेगा नहीं, मेरी गलती तो होती नहीं क्योंकि मेरा तो मुन्ना के पास है, मेरा गलत है ना तो अहंकार तोड़ देता है। अगर आपको अहंकार तोड़ना ना, मुन्ना को तोड़ने के लिए पहले अहंकार तोड़ना है, सुबह उठते पहला काम करो, मेरे से गलती हुई है, कौन सी हुई है मुझे बता मुन्ना, गलती हुई है कौन सी हुई है वही बताएगा, वो छुपा के रखता है रोज खजाने में, उससे बात करो, मुन्ना से सेटिंग करनी है बैठ के आराम से बात करो, वो आपकी गलती दिखा देगा थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली। अपनी गलती तो उसने मानी नहीं, उसने ब्लेम करना शुरू कर दिया, मेरा बाप खराब, मेरी बहन खराब, सब दूसरे देश के शत्रु, कोई कुछ कर गया, चूहे आ गए। तीसरे ने जब गेहूं की लदी बोरियां के बोरियां और पूरे खेत खलिहान दिखाए, बस बोले बेटा तू ही है जो जीवन की संभावनाएं आगे बढ़ा सकता है। जो व्यक्ति धन को तिजोरियों में रखता है उसका यह हाल है, जो दूसरा सोचता है भजन कर लो भजन कर लो, कुछ दान तो कर लो, एक धर्मशाला खुलवा दे, धर्मशाला खुला करके आप एक इंसान को और गधा बना रहे हो। जिस इंसान की कोई टका फॉरेन में बुड्ढों को फेंक दिया जाता है ओल्ड एज होम में, वहां ओल्ड एज हम देख के आइए, सचमुच में कहता हूं पैसे फूक फाक के एक बार देख के तो आओ, 5 स्टार होते हैं वहां के बुड्ढे, क्या टशन होती है उनकी, क्या मजे कितने, ऐसा बुढ़ापा, ना कोई तंग करने वाला ना कुछ, गवर्नमेंट दे रही है। वो लोनलीनेस के शिकार क्यों है, क्योंकि वहां कल्चरल डैमेज हो चुका है, प्रेम नहीं है, वहां डिफरेंट प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसा है। हमारे यहाँ क्या है, बुढ़े सड़के मर रहे हैं, हरिद्वार में जान देंगे, अब धर्म स्थान क्या हो गया, मृत्यु मरने मरने जा, क्या मरना मरना, जीवन को जीना है, आप शरीर त्यागने जा रहे, आप वो कमांड्स वहां पाक कर देते हो, आपकी औरा वहां पहुंचते ही काम करती है, काम खत्म, दादाजी का काम है तो चंगू मंगू पिंगू सबने सुनी उनको पता है। आप अपने जीवन को अल्टीमेटली क्या करके दे रहे हो, धर्मशाला खोल के एक कमरा बना के हाय गरीबों का भला करेंगे, तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो कि मैं गरीबों का भला करूंगा। वो गरीब हुए कोई, क्यों गरीब पैदा हुआ, भगवान की मर्जी है, कोई टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ है क्यों, साइंस है समझो, उसके कर्मों का फल है, वो भगवान की मर्जी तो है और किसकी, पड़ोसी की मर्जी है। कभी ऐसा बच्चे ने खुद चाहा होगा कि मेरे हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो, खराब हो, कुछ अंग टेढ़ा हो, मॉन्स्टर फेस हो, क्यों हो, कोई नहीं चाहता, कौन कर रहा है,
ये पूर्व जन्म के फल हैं जो हम स्वयं अपने जीवन में सालों साल भोग रहे हैं। प्रारब्ध आगे भी फिक्स है ये, कितना 12%। जिसने तो ये शक्ति पहचान ली, अबे छोटा है 12 ज्यादा नहीं है, वो तो इसको जेब में लेकर घूमता और गुलाम बना के चलता है। आप रोज कोसते हैं, बेटा सही नहीं निकला यार, बेटे ने यार नहीं, मत कोसो 12% की ताकत मत बढ़ाओ, मेरे बाप ने धोखा दे दिया मुझे, सही नहीं किया, अरे माँ सही नहीं किया। 12% एग्जीक्यूट तो 72 से ही होगा, 12% एग्जीक्यूट 72 से होगा। 72 तो मतलब कहीं ना कहीं ऐड ही हो रहा है 12 में से, भारी तो है 72 तो बहुत भारी है। आप इस समय बैठे हो यहाँ, कौन बैठा है? आपका मन अगर हावी होता तो आप कहते छोड़ना पिक्चर दिखाते हैं पार्टी करते हैं, ये मन साधा है तो आप आयो, किस पे टाइम है आजकल किसी की बकवास सुनने का? ये मेरी बकवास बकवास ना रही क्योंकि 2 घंटे सुन रहे हो, ये बकवास होती अगर आप कहते बोल रहे हो यार सिरदर्द हो गया। हाँ जी मुन्ना से आप कह रहे हो कि अगर बात कर रहे हैं और वो गलतियां आइडेंटिफाई करता है दिमाग में लेकर आता है तो उनका क्या करना चाहिए? वो तो गिल्ट क्रिएट करेगा, क्यों करेगा फिर मुन्ना पकड़ के गिल्ट, वो लाएगा गिल्ट के लिए, यही तो ऑब्जर्व करना है। आपको ये जानना है मैं भी गलत हूं, कहीं मुझसे भी गलती होती है, मैं लड़ता क्यों दूसरे से, ये साफ नहीं रखा तुमने, ठीक नहीं रखा, ये रोटी ऐसे बना दी, क्योंकि भैया तू तो गलत है ये तो मुझे पता है। दो बात पता होती है इसे, पहले तो मुझे पता है और दूसरा मुझे ये भी पता है कि तुझे जो पता है वो गलत है, ये उसका फिक्स रूल है, उसको कोई लेन देन नहीं। सर अभी मैंने सतगुरु की वीडियो देखी थी, उसमें वो कहते हैं कि हमें गलती माननी क्यों है, माफ करना ही क्यों है, चाहे अपने को चाहे किसी को, हमने जब जो किया तो वो तब के हिसाब से ठीक था, जैसे वो कहते हैं उस वक्त का धर्म था हमने जो किया और आज जो कर रहे हैं आज भी धर्म है, ना हमें गलती माननी है कि हमने कभी कभी की, ना हमें माफी मांगनी है कभी, तो ये दोनों बातें कैसे? जिस व्यक्ति में गिल्ट है और वो दुखी है और वो परेशान है, उसको ये जानना जरूरी है कि उसने अपने अपनी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी फंसा के रखी हुई है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। जिस व्यक्ति की सब ठीक है उसको कोई जरूरत नहीं, जो वो बात कर रहे हैं स्वार्थी की कर रहे हैं, जो महास्वार्थी महाकमीने जो मैं बोलता हूं कि मुझे कोई लेना देना नहीं, मरो सारे, कृष्ण को कोई लेना देना नहीं, कितने मरे कौन जिया किसको क्या होगा, भाड़ में जाओ, उन्होंने जो भाड़ में जाओ बात बोली वो अपने हिसाब से बोली है। क्या हमारे दिल में फिर डर पैदा नहीं होगा अगर हमने सुबह सुबह अपनी गलतियां वो करी, हमारी गलतियां क्या है? नहीं, हमारे मन के अंदर ये जानकारी होगी, इससे डर पैदा तो नहीं होगा हमारे मन में, ये जानकारी होगी अरे यार मुझसे भी गलती होती, साला मुन्ना कराता है, मतलब उसको हम इजी वे में ले, आप मुन्ना ऑब्जर्व करना सीखोगे, आइडेंटिफाई करोगे यार मैं जब देख रहा हूँ मेरे से गलती हुई तो साला ये करवा कौन रहा था। मेरे पास कई लोग आते हैं जो कहते हैं मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है तो ये कौन है जिसे पता है कि तेरा दिमाग खराब हो रहा है? ये दूसरा कोई है, जिसका दिमाग खराब हो रहा है उसका तो हो ही रहा है, एक को पता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है, ये किसे पता है इस टाइम के गुस्सा आ रहा है मुझे? गुस्से तो आ रहा है उसे पता है, वो दो है, वो जल्दी ही आगे की सीढ़ी पे चढ़ जाएगा क्योंकि उसने इतना आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है, गुस्सा आ रहा है लेकिन बॉडी नहीं दूंगा, गुस्सा आ रहा है बॉडी नहीं दूंगा। वो बच्चा शिष्य बनने लायक है, उसको आगे बढ़ा करके गुरु ऑन किया जा सकता है, उसका गुरु ऑन होके ही रहेगा, गुरु हर जगह है, अपने खुद के गुरु से भी चिपटो मत, उससे जो सीख लिया सीख लिया, बाकी हर जगह से सीखो, गुरु बनाने पे मत ध्यान दो, शिष्य बनने पे ध्यान दो, आप स्वयं गुरु बने रहोगे। आपका गुरु ऑन करने की बात हो रही है, अल्फा ब्रेन होता है हमारा, ये दिस इज कॉल्ड मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, एयर तत्व है इसके पास। हमारे शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस से मुन्ना क्या काम कराता है, ये शरीर है, अब हमने कोई बात, हमने चीज खाई, बॉडी क्या करेगी, खा ली, पेट में गई, मलमूत्र बना और भुला दिया। मुन्ना क्या करता है, बात कोई आई, अब देखें बॉडी के थ्रू काम करेगा, एग्जीक्यूशन उसने बॉडी के थ्रू करनी है, उसके पास अपनी बॉडी तो है नहीं, वो शब्द क्या बोलता है मुन्ना, भाई साहब आपकी बात ना हलक से उतर नहीं रही, ध्यान देंगे आप शब्दों को बोल रहे हैं, आपकी बात हलक से नहीं उतर रही, बात हलक में कहाँ जाती है, किसके जाती है? ये कॉन्शियसनेस है बॉडी की लैंग्वेज के थ्रू मुन्ना बोल रहा है, आपकी बात हलक से नहीं उतर रही, बात कभी हलक से नीचे उतरती है? तोरी टिंडे तो उतरते हैं, यानी कि बात हलक से नहीं उतर रही, गले की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर बात रख दी इसने, बात फंस गई, इसोफेगस है, फूड पाइप, आपको जितनी भी चेस्ट कंजेशन की खांसी की खांसी चल रही, सबको अपने घर जाके देखें, सोचे आपको कौन सी बात अलग से नहीं उतर रही, एलर्जी की शिकायत की अगर बॉडी की है ना, दवाई खा के ठीक हो जाएगी, वो नहीं अलग से उतरने की लड़ाई,
मनोमय कोश पे जाइए, अन्नमय कोश, प्राणमय और मनोमय, अंदर की बात नहीं हो रही, हलक से उतर रही, आप कहोगे दवाई ले रहे हैं, असर नहीं हो रहा, क्या चक्कर है, मन का लफड़ा है, मनन, मनन से होगा, मुन्ना को ऑब्जर्व करके ठीक हो जाएगा, कौन सी बात हलक से नहीं उतर रही, इसलिए बात हलक से नीचे उतारो। इसकी एक्सरसाइज क्या है, बैठे मुन्ना से बोला, भाई मुन्ना कोई ऐसी बात तो है जो मेरे से हलक से नीचे नहीं उतर रही, उतरवा यार, करवा यार, तू क्या कर रहा है यार, मैं कौन सी बात है बता दे भाई, तेरी बड़ी दया है, वो निकाल के दे देगा। अगली बात क्या बोलता है व्यक्ति, भाई साहब ये ना हजम नहीं हुई, जिनको हजम नहीं हो रही ना, जैसे कई लेडीज हैं अक्सर अल्सर पेशेंट्स होती हैं, हजम नहीं हो रही, वैसे ये यहाँ अटक गई, अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाता है, कैसे हो गया यार, अच्छा खाना खाते हो पेट में घाव कैसे हो गया, साले दारू नहीं पीते लीवर बोल गया, और यार दारू पी निहाल है और कहते हैं लीवर की होता है, देयर इज समथिंग जो अंदर इंटरनलाइज करता है बॉडी के ऑर्गन्स पे, सेलुलर लेवल पे इफेक्ट करता है। सर इसका कोई टाइम स्पैन होता है? किस चीज का? बात हलक से नीचे उतरना या हजम हो जाना, कईयों को इंस्टेंटली नहीं होती, लेकिन कुछ 3 महीने का गेम देगा, 3 महीने में आरबीसी बनता है। और अगले सेल को टेलोमेरेज होते हैं हमारे डीएनए में, वो अगले को कंस्ट्रक्ट करके अगले सेल में मेमोरी डाल देंगे, उसको कट करना है, 3 महीने का गेम है। तो विद इन 3 महीने अगर हमें हजम कर लो, एक्सेप्ट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट नहीं करोगे बॉडी बहुत देर में टूटती है, 6 गुना है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 6 गुना हम एग्जांपल लेते हैं, पहले साल से आपको अपने हस्बैंड हजम नहीं हो रहा, ये हजम ही ठीक नहीं है साला, बंदा ही ठीक नहीं है, हजम नहीं हो रहा, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, 6 साल लगेंगे छूट जाएगा, 6 वर्ष का एक सीधा साधा कैलकुलेशन है, और इस दौरान में बीच में आप वापिस खेलते रहे तो हो सकता है 20 साल रोते रहो, ठीक भी हो जाए और ना भी हो, यानी आप थोड़े 6 महीने एक्सेप्ट कर लो, 6 महीने फिर सड़ जाओ, 4 घंटे दिन में ओके हो जाओ, उसके साथ 8 घंटे खराब हो जाओ, यानी कि वो 50 साल तक चलेगा और सारी जिंदगी आप दोनों का रिश्ता बीमार रहेगा। ऐसे ही आप पैसे से एक्सेप्ट नहीं होते, पैसा आ गया यार कम आया, एक तो आया उसे बोलो कृपा है भाई अभी तू तो आया, इतना सिंपल है, तो ऐसे आप कॉन्शियसनेस के द्वारा अपनी ऑरा से उसको पोस रहे हो। ऐसे में सर एक्सेप्ट हमें कैसा वाला करना चाहिए, कि हस्बैंड ऐसा नहीं हो सकता ये एक्सेप्ट कर लिया, या हस्बैंड ऐसा ही है ये एक्सेप्ट कर लिया? आप तो स्टार्टिंग से बैठे हो पिक्चर में, आपको तो पता आदमी कुत्ते होते हैं, समझ आई बात, एक्सेप्ट कर लो, तो पहले तो सोचो कुत्ते को डोमेस्टिकेट कैसे करना, ये ना सोचो कुत्ता ना बने, कुत्ता तो है वो, ये क्लियर हुई बात की नहीं, तो फिर एक्सेप्ट क्या करना है, नहीं मतलब शादी मत करो, शादी मत करना, ठीक है, हाँ आओ ये भड़का दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो जीना तो पड़ेगा। मेरे दादाजी थे, उनको ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम था, उन्हें किसी डॉक्टर की कोई दवाई सारी जिंदगी नहीं लगी, तो उन्होंने ये एक बना लिया था कि मेरी ये बीमारी ठीक होगी ही नहीं, हाँ वो कमांड भी दे दी, तो हुई ही नहीं, वो होगी, ऐसे में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, अगर वो ये कर लेते कि मेरी बीमारी है, बीमारी बॉडी के द्वारा दिखाया गया एक लक्षण है, बात है कोई जिस वजह से बीमारी अटकी है, उन्होंने उल्टा उस बीमारी को गले लगा लिया, अच्छी चीज एक्सेप्ट कर लिया। दादाजी की क्लास अब कर चुके हैं, दादाजी का काम क्या है, जो लेडी कहती है ना हाय मुझे तो अपना कमरा ही अच्छा लगता है, कहीं जाने का मन नहीं करता, उसकी टांग तोड़ देते हैं दादाजी, और वो बेड पे पड़ी रहती है, मर जाती है भाई, बड़े ध्यान, ये कमांड्स जो हमारी चल रही हैं, दिस इज सीरियस थिंग, कोई भी बीमारी ऐसी है जो हमने नहीं बुलाई, एवरीथिंग इज रिपीट फ्रॉम अस, जो वो इस समय सेटिस्फाइड है, इसीलिए तो कहते हैं ज्ञान लो ज्ञान, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया ना उसका लड़के का बच्चे का कि भाई हे भगवान बड़े पापू है भगवान, हाँ बड़े पापू हैं, अब वो डरा हुआ है, दादाजी ने कहा है अच्छा बेटा और होंगे तो क्या करूं, शरीर नष्ट कर दूं, शरीर पे आएगा, एंगर पे होगा, लीवर पे आएगा, स्प्लीन पे आएगा, मुंह होगा, गार्बेज क्लास में सारा बता रखा किस अंग पे कौन सी एनर्जी है, वो पता लगता है, आप कहते हो मुझसे काम नहीं होगा, सर आप बोलते ना आपका घोड़ा कहाँ पार्क है वो मैटर करते हैं, तो घोड़ा ही तो फंसा देते हैं, अगर आप ऊपर की स्टेज पे बैठ के भी अगर ये वर्ड बोलते तो फिर मैटर ही नहीं, तो धर्म तो यही, धर्म में सारा बताया, धर्म की क्लास में आप थे नहीं, उस क्लास में ये बताया घोड़ा ऊपर लेकर आओ, आपने घोड़ा ऊपर खींच लिया, यही धर्म है, बाकी कोई का ये, बाकी भगवान भगवान को भूल जाओ, भगवान है भूमि गगन वायु अग्नि नीत, प्रभु है भूमि का मालिक, ईश्वर है जिस इष्ट का वरण किया, गॉड इज जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काय और काय का भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि समझना है तो वेद पढ़ो, मुझे भी सिखाना, मैंने देना नहीं आता, गुरु जी ऐसी कंडीशन में अगर हमको कोई बीमारी है मान लीजिए, तो हमको ये कहना चाहिए ठीक है बीमारी है ठीक हो जाएगी, अगर इस तरह से हम इसको ले तो बीमारी वजह से हुई ये उसको वो करेंगे, बीमारी का इलाज करो,
कोटा तो देना पड़ेगा क्योंकि धन धन पर डालो, ये बड़ी आगे की बात खींच ली आपने, एक मिनट होल्ड रखो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब एक काम आपसे नहीं होगा, हाथ पर आएगा, नहीं बदलेंगे, पैर पे जाएगा, क्या हमारे से नहीं होगा, मैं नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं चेंज होंगे। जीवन में पैरों का काम है चलना, यानी कि बदलते रहना, बदलते रहो, जगह बदलते रहो। आपके लेफ्ट घुटने में तकलीफ, आपके राइट घुटने में तकलीफ होती है यदि आप कोई चीज कहते हो कि मैं चेंज नहीं करूंगा। मेजरली राइट में आती है, पहले दोनों में आती है, मेजरली राइट में आएगी। अच्छा, फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया, चलो यार छोड़ ना, बदल देते यार, जो ये कहता है मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन चलो यार अच्छा बदल गए, दायां घुटने की करेक्शन हो जाती है। लेफ्ट घुटने का क्या होता है, यार मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन आगे नहीं बढ़ा जा रहा साला। कुछ जीवन में ऐसा है जो मैंने मान तो लिया, समझ तो लिया, ओके भी कर दिया, पर पूरे तौर पे नहीं किया, वो लेफ्ट में बचा रहेगा, ऐसे कोहनी पे आता है। यही टेनिस एल्बो है और कुछ भी नहीं है, यही गोल्फर्स एल्बो है। कितने ही लोग हैं जो सारी जिंदगी खेल रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं होती, और कभी खेले भी नहीं कोई, उनको जाती है क्या सिर पैर है यार। गोल्फर्स एल्बो नाम दिए गए गोल्फर्स को होती है अक्सर, वो कहते हैं परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस यार बढ़िया नहीं हो रही, राइट हैंडर को राइट हैंड पे होती है, लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट पे होती है, यार अपनी परफॉर्मेंस है ना यार सही नहीं हो रहा यार, यार ये कुछ मजा नहीं आ रहा यार, ये उनको होती है। बॉडी के अंदर पोजिशन है, कॉन्शियसनेस में मुन्ना पूरी बॉडी में है, सूक्ष्म शरीर के तौर पर हर जगह कार्य कर रहा है। आप कहते हो ईर्ष्या रखते हो, क्लेश करते हो, दिल में चुभ गया, ये डायलॉग निकलता है मुंह से, बस दिल में चुभ रही बात, मेरे तो दिल फाड़ दिया, दिल तोड़ दिया, ये ना तोड़ो, राक्षस बनो, कमीने बनो, यही सदगुरु की बात जो ये बता रहे हैं कि भैया कुत्ते बन के जियोगे, चैंस कुत्ते तो खैर प्रिय आज का टॉपिक है शुरुआत से, माफी मुफी ड्रामे के चक्कर में मत फंसो, दिल पे बोझ होएगा, मेरे दिल पे बड़ा बोझ है, मैं ये ना कर पाया, बस तुम्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जरूर, तुम मरोगे पक्का मरोगे। और लास्ट करते हैं लोग, खोपड़ी खराब कर रखी है, आप ध्यान देंगे एक आंख है इसकी, दूसरी पता नहीं कहां बहुत आएगी, इसकी खोपड़ी खराब तो होगी देखने वाली बात है, मतलब ये तो मैं अभी जाना, ज्ञान तो मुझे अभी मिलना शुरू हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं भाई खोपड़ी खराब कर रखी है, उनके दो सेरेब्रम्स होते हैं, हमारे दो ब्रेन के हिस्से हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, राइट ब्रेन है पुरुष ब्रेन है, लॉजिक ब्रेन, एक एक्सेप्टेंस ब्रेन है फीमेल ब्रेन जो भक्ति की ओर ले जाता है, इन दोनों के अंदर नहीं हो रहा खोपड़ी खराब, मीन्स ये दोनों लड़ रहे हैं, मानू ना मानू, जानू ना जानू। अब आप क्या करते हैं इसके अंदर, आप एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेंस कौन करता है, जब मुन्ना एक्सेप्ट करना शुरू करता है पास्ट को और सरेंडर करता है फ्यूचर को, सरेंडर फ्यूचर से होता है, पास्ट होता है एक्सेप्ट, तो ये गुरु में परिवर्तित होता है, ये 6% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट करना शुरू करता है हार्ट चक्र से, जो 64.46 क्वाड्रिलियन माइल्स पर सेकंड की स्पीड से अंतरिक्ष में जाता है और चिज्जी बना के देता है। जितना ज्यादा आप हृदय चक्र ऑन कर सकते हो, क्या कहते हैं यार, दिल से पा लिया, दिल खुश कर दिया, दिल से एक्सेप्ट किया, क्या है ये लैंग्वेज है आपकी कॉन्शियसनेस की, आपके मुन्ना की, जो बॉडी से एक्सप्रेस हो रही है, जहां नहीं होगी वहां बॉडी में वो रोग लगा देगा, बीमार कर देगा शरीर को, हर समय आप रोते रहते हो, ये मिला था छिन गया, यार छिना नहीं है, अरे कोटा पूरा हो गया यार, ठंड मिली 2-3 महीने मिल गई, ठंड छिन गई, छिन नहीं गई वो चली गई, दोबारा आएगी यार, गर्मी आ गई बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लगेगा अभी गर्मी आएगी देखना, स्वाद आ जाएगा जिंदगी का, और उसके बाद सारा स्वाद का जो ना मवाद बन के निकल जाएगा, इतनी सड़ी गर्मी पड़ेगी, फिर आप क्या कहोगे, हाय गर्मी स्ट्रीट डांसर देखे, उसमें गाना है ये नोरा फतेह का, नहीं मैंने दूसरा गाया था वो दूसरा गाया था, गाने तो मैं सारे गा दूंगा, अच्छा यही वाला गा रहे थे आप, ओ गर्मी, अच्छा ओहो एडल्ट सॉन्ग, पर आप तो एडल्ट हो, नो प्रॉब्लम, अलाउड है। इसलिए मकसद क्या कहने का, आपकी कॉन्शियसनेस पे आपको ऑब्जर्वेशन रखनी है, आजकल आप क्या सोच रहे हो, आपकी खोपड़ी किधर को जा रही है, आप अपनी बॉडी के किस अंग को तंग कर रहे हो भैया, कहां चीज को रोक रहे हो, आपकी बॉडी और मुन्ना सिंक होंगे आप वंडर्स कर दोगे, आपकी बॉडी और मुन्ना सिंक होंगे आप वंडर्स कर दोगे, कमाल कर दोगे, जादू कर दोगे। इसलिए पहला उसूल डरना मना है, डरना मना कैसे होगा, भगवान को मानते हो, अब भगवान को जानो,
भगवान को मानने वाला हर व्यक्ति डरता है और भगवान को जानने वाला हर व्यक्ति उससे प्रेम करता है, उसको जेब में लेकर घूमते हैं संत। जितने भी हमारे संत हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, महर्षि रमन्ना महर्षि हुए और हमारे विवेकानंद वगैरह हुए, इन्होंने कहीं बैठ के नहीं कहा कि ये जाओ मंदिर में ना कर गड़ो, ये हमारे वेदों में भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर ना जाओ, क्योंकि ये क्लासेस उन लोगों के लिए नहीं है जो इसको समझना नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत इनडेप्थ है नए व्यक्ति के लिए, उसके लिए 50 क्लास पहले समझनी पड़ेंगी। ये ह्यूमन मशीन की बात हो रही है, ये कॉस्मोस की बात हो रही है, ब्रह्मांड ऐसे काम नहीं करता कि छोले भटूरे की तरह हो रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा चौड़ा है। जिस व्यक्ति ने डरना बंद कर दिया, सबसे पहले मुन्ना उसको लोभ देना शुरू करेगा। मुन्ना के पास दो काम है, डर और लोभ। लोभ देगा सबसे पहले आपको, और लोभ को जीतने के लिए सिंपल सी बात आपने मान के चलना है, जब मेरे हिस्से की हवा कोई छीन नहीं सकता, मेरी सांस मेरी ही है, साला कोई सवाल ही नहीं पता, 100 लोग आ गए घर में, मेरी सांस चल रही है, कैसी अजीब सी बात है, तो मेरा तो कोई छीन नहीं सकता यार, और दूसरे का मैं छीनने के चक्कर में लगा हुआ हूं तो अपना नाश क्यों कर रहा हूं। आप बात समझें, आपका नाश कैसे होता है। एक बच्चे ने उल्टी कर दी, ठीक है, कड़वा गंदा बदबूदार विषैला विष जैसा जहर जैसा पानी मुंह से निकलता है, गंदा नाक मुंह भर जाते हैं, आदमी कहता है जवान जल गई, ठीक हो गया जी, पर उसके बाद वो कहता है आराम आ गया यार। यानी कि जब तक वो अंदर था आपको जला रहा था, आपका कीचड़ कर रहा था, शरीर का सत्यानाश कर रहा था। अब आप क्या कर रहे हैं, अब कॉन्शियसनेस के लेवल पे मुन्ना की बात, मुन्ना क्या कर रहे हैं, मन है, गुस्सा आ गया किसी पे, बॉडी को नहीं आता गुस्सा किसी पे, मुन्ना को आता है। अब मुन्ना को गुस्सा आ गया, साला कमीना है, घटिया है, फलाना है, और दो चार और बोटी भारी भरकम गालियां रखी हैं, ये कहां रखी है, पेट में रखी है। ये आपको तब तक, जब तक उसके मुंह पे बकनी दोगे ना, तब तक आपका सत्यानाश कर देंगे। जितने लोग निंदा कहते हैं, निंदक, जितने लोग निंदा करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, उन सबको पेट की गड़बड़ होती है, और जो कुड़ता है उसे कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टाइनल वाटर रिटेंशन की दिक्कत, पानी हजम नहीं होता प्रॉपर। इस पे गट फीलिंग में बात हुई है, इंटेस्टाइन्स की पहले बात हो चुकी। तो ये कौन है जो बात को पेट में रखे बैठे हैं, बात पेट में रख रखी है, आपके बात पेट में हजम नहीं होती। हमारे पेट में तो भाई सब कुआं है, किसी की बात बाहर नहीं जाने देते, पेट में रहता है सब, क्योंकि नाभि है, वहीं से हमारा उद्गम हुआ है। और जब आप इस किसी गाली को किसी को मुंह से निकाल देते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपको गाली बक रहा है, सोचिए वो पहले खुद को नष्ट कर चुका है, इसलिए उसकी गाली को वापिस अपने पेट में मत लो। आपको किसी ने गाली बकी, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, बोले बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर, थोड़ा ट्यून में बोलो। आपको कई बार गुस्सा आएगा किसी के लिए, आपको वैसे तो सही शब्दों में गुरु शब्द उसको कहता हूं, मैं ये नहीं कहता गुरु कोई चीज है, एक पत्थर को बना लो गुरु, यानी कि उसके आगे सब भौंक सकते हैं, दिल फाड़ के मन नंगा कर सकते हैं। आप जाओ, नहीं है तो आकाश में, खुले मैदान, स्पेस एरिया, जहां बड़े से बड़ी स्पेस हो, वहां खूब गालियां बको उसको जिसके लिए मन है। आप सचमुच देखेंगे अगले दिन, आप सारा दिन बक लिया, अगले दिन के सूर्य उदय की पहली किरण से आपका मन खाली है, उल्टी हो गई यार, ठीक हो गया। जो अंदर रखे रहता है वो बीमार पड़ जाता है। और अक्सर मैं माफी चाहूंगा लेडीज शब्द के लिए ज्यादा बोलूंगा, लेकिन लेडीज को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कुड़ती हैं, कुड़ गई और बीमार पड़ जाती है। फिर वो कहते हैं तुमने समझा नहीं, हमने कितना संघर्ष किया इस कुत्ते के साथ रहते हुए। हमारी जो बॉडी बनी है 72% जल है, इसमें टिंकू 12% मुन्ना है। ये जल तत्व है सबसे लचीला, इसके थ्रू ही सारी चीजियां बनती हैं। पानी किसी चीज में डाल रहे हो, पानी में पानी, तेरा रंग ऐसा जिसमें मिलाओ उस जैसा, ये जल है। तो जितने भी एनर्जी है वो एग्जिस्ट करती है जल की तरह, ये हमारे पास निश्चित है 72%। अब E=mc² चिज्जी बनेगी, चिज्जी कौन बनाता है, मुन्ना। हमारा मुन्ना कहता है यार चिज्जी बना यार, कुछ लेना है यार, यानी हमारे पास अथाह संपत्ति है, हमारे अंदर ताकत है कि हमने धरती में से कंप्यूटर निकाल लिया, धरती में से माइनिंग करके पेट्रोल निकाल लिया, ज्वेलरी निकाल रही, सब कुछ धरती से निकालते हैं, इतनी खोपड़ी है हमारे अंदर, इतनी ताकत है, शरीर इतना जबरदस्त काम कर लेता है। कैसे करता है, मुन्ना काम करता है शरीर के थ्रू, वो गुरु के रूप में चीजें बना के दे रहा है, इन्वेंशन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन 72% घट रहा है। ये एनर्जी कहां डिप्लीट होते, 71, 70, 69, 68, ऐसे धीरे धीरे गिरते गिरते 67, 60, 50,
बीमार होना शुरू, चिज्जियां बन गई, चिज्जी बनाने में लगे हो। अब सबसे बड़ी चिज्जी क्या है, सबसे बड़ी चिज्जी है पैसा, ई एनर्जी, जैसे एनर्जी जल है ना यहाँ बहत्तर, ऐसे पैसा एक चिज्जी की एनर्जी है। जल को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसे को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या अपने शरीर की उंगली काट के किसी को दोगे? आप ययाति के संतान की तरह कहोगे 100 साल और दे दो इसको, मरने दो, वो भूखा रंगा रहेगा, परेशान है, मरने से जो डरता है यानी लोभी है, लालची, उसे और जीने और स्वाद चाहिए धरती के, वो माया में फंसा हुआ है, लीला सा जानता ही नहीं के लीला है। आपके एनर्जी है धन, इस पैसे से आपने मान लो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। अब इस 1 करोड़ को क्यों इकट्ठा किया? शरीर गला के किया है, ये ना समझे फ्री में मिला है। इसलिए गरीब आदमी के पास धन यदि कम है शरीर अक्सर ठीक होता है। मैंने पहले बता रखा है मुन्ना के कारण मरता बीमारों को क्यों, और अमीर पैसे होकर बीमारी ऐसी लगाता है जो पैसे से ठीक ना हो। तो अल्टीमेटली क्या किया आपने, उसे 1 करोड़ में से किसी ने कुछ, बहन ने कुछ ताना दे दिया, भाई ने दे दिया, आपने कहा ठीक है इसका मुंह बंद करते दे देते हैं इसे, मत दो। 10% बना है, अगर आपकी बॉडी जिस समय आपके पास 1 करोड़ रुपए है 72% बॉडी का दर्द बता देगा, कहाँ दर्द है, कौन सी बीमारियां, कौन सी गोलियां खा रहे हो, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें मैं कैलकुलेशन में जाऊंगा तो भी क्लास आज खत्म नहीं हो पाएगी। 72% है, अगर आपको पता लग गया 60 हो गई है, भैया कुछ कुछ दर्द है, तकलीफें हैं, गोलियां खा रहा हूं, तो यानी कि 12% इज इक्वल टू 1 करोड़। अब उस 1 करोड़ में से 10 लाख आपने दे दिया ना, तो 12 का 10% कितना गया, 1.2%, पकड़ पा रहे वो शरीर का हिस्सा जीवन में ठीक नहीं हो, क्योंकि 10 लाख आपने फ्री में दे दिया। फ्री फंड में धन नहीं देना, मरते टाइम बिल्डिंग छोड़ जाओगे, पहला शिक्षा तो है कि बनाने के चक्कर में क्यों, पर मरते टाइम बिल्डिंग छोड़ जाओगे उसकी चिंता छोड़ो, जिसके नसीब के ले लेगा, उसे भोगो। आपने चिज्जी बनाई, अब उसे भोगो, वापिस आएगी 72% रिफिलिंग करेगा, क्योंकि एंजॉयमेंट से बढ़ती है ये ऊर्जा है, आपने उसको भोगा नहीं, हाय बच्चे ये कर देंगे, आए कितनी मुश्किल होगा, वो जुआ खेल लेगा, इसको तो भोगो, तो फ्री फंड में दे दिए हमने इतने सोने। सब अपने अपने नसीब का ले रहे हैं, आपके थ्रू ले रहे हैं, आप भी पता नहीं किस किस से कमा रहे हो, उसको जाने दो। नहीं जाने दोगे आपकी बॉडी की ऊर्जा खराब हो रही है, आपका शरीर खराब हो रहा है। जो व्यक्ति पैसे अपने भाई को, बच्चे को, चाचा को इसलिए देता है, दे दो यार इसका मुंह बंद होगा, उसका शरीर खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं ना ताऊ की तरह, यार सारे पैसे पे कुंडली मार के नाक की तरह बैठा है, बैठे रहो तब आपकी इज्जत होगी। फ्री फंड में दे दोगे फिर तो खुद ही अमीर बना दिया आपने दूसरे को, फिर वो आपकी इज्जत क्यों करेगा, कहेगा भाड़ में साले मर। धन इज प्योर एनर्जी, पूर्ण रूप से एनर्जी है ये, इससे चिज्जी बनाई जा सकती है, मुन्ना बनाता है ज्यादा इसको, वैसे तो धन में ही ज्यादा मत एनर्जी शरीर की डालो, बीमारियां आती जाती है, कष्ट आएंगे जाएंगे। चिज्जी बना रहे हो बड़े ध्यान से बनाओ, ईश्वर को समर्पित करके बनाओ, मकान लेते हो मैंने तुझे एक्सेप्ट किया तो मुझे, ये डायलॉग लेके चलो, ये सब मंत्र जाप लोगों जीवन में सुधार आएगा, उसका सुख मिलेगा, भोग मिलेगा, एक्सेप्ट नहीं होता हमसे, और मुन्ना हमें अंधेरे में रखता है, पता नहीं लगने देता हमसे, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। इसीलिए गुरु चाहिए हमें, हमारी गलती दिखाने वाला वो कमीना जिसमें गट्स है दिखाने के, उसे गुरु कहते हैं। जो लोग अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन बाहर ड्रामा करते हैं, अंदर से एक्सेप्ट किया राइट घुटना ठीक हो जाएगा, बाहर से दिखा रहा ड्रामा, अंदर से करने के बाद भी लेफ्ट घुटने में तकलीफ रहेगी, दोनों हो गए ना। यस, मूवमेंट कर नहीं रहे ना, हाँ कर दी पर नहीं कर रहे, करो इंप्लीमेंट करो, अगर नहीं हो रही तकलीफ है रुको, 3 महीने लग सकते हैं, पेशेंस रखो। सेलुलर लेवल पे 3 महीने क्या है, आज से नहीं शुरू हो रहे, हो सकता है 1.5 महीने का सेल पुराना हो चुका है, अगले 1.5 महीने में चेंज होगा, हो सकता है 7 दिन में चेंज होगा, हो सकता है कल ही अगले दिन आपके 3 महीने के आरबीसी बदलने वाले हैं, आप आज के दिन रियलाइज कर लो आप कल ही ठीक हो जाओगे, आप आज रियलाइज करो 15 दिन में हो जाओगे, 15 दिन जब नया सेल बन रहा है आरबीसी, आरबीसी कैरी करता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उसमें आरबीसी होता है जो ऑक्सीजन ट्रैप करता है, हाँ ऑक्सीजन, मैंने बताया ना सेब खाओ जला हुआ लगता है, तो जिस सेल के अंदर ऑक्सीजन ट्रैप करने की ताकत हो किस रंग का होगा, लालित होगा, वही मंगल से चलता है वो, खैर आगे चली जाएगी। विपग्योर में लास्ट आर रेड, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, याद है ना लास्ट कलर, मूलाधार का रेड कलर है, रेड कलर एग्जिस्ट करता है विपग्योर। और कौन सा था जी, सोते समय सोना चाहिए, रात के समय अगर हम नहीं कर पा रहे तो उसको कैसे करना, उसके लिए आप वैसे पुरानी क्लास कर चुके हैं, आप सादी सी कमांड से शुरू करें, जब आप सोने जाने वाले हैं तो सबसे पहले तो कोई बड़ा ना एडवेंचरस या कॉमेडी प्रोग्राम लगाए टीवी पे आजकल के अनुसार, ठीक है,
गलती से भी कोई पोस्ट ना सुने जो आते हैं सोशल मीडिया, आज फिर ये हो गया विरोध में दो लोग मारे गए, ना ना फोटोकॉपी ऑन मत करो, वहां पर ये रेप हो गया, वहां मर्डर हो गया, यहाँ चार लोगों को लूट लिया गया, कोई खबर बकवास की नहीं, सकारात्मक ऊर्जा ऑन करनी है हमारे अंदर। आपने कॉमेडी सीरियल लगाना है धांसू सा, कपिल शर्मा वगैरह कोई पसंद हो, कोई उस टाइप की आजकल कोई फेमस है, नहीं तो कोई एडवेंचर वाली साइंस फिक्शन मूवी लगा लो नेटफ्लिक्स पे, आजकल तो इंग्लिश में ही बड़ी धांसू धांसू आ रखी है, वो लगा लो, आपके अंदर क्या होगा, अब क्या होगा यार, अब क्या होगा यार, आप भूल जाओगे। इतना मस्त है साले को भटका दो उसी टाइम भूल जाता, मस्ती के टाइम तो मुन्ना को लेन देन कोई नहीं है कलेश का, ये इतना कमीना है, मारेगा मुझे, इतना इतना अच्छा भाई है। अल्टीमेटली फिर क्या होता है, आपने देखा, आपने बड़ा अच्छा सत्संग कर लिया, दो घंटे बहुत अच्छी लगे जी, नीचे उतरते ऑन, अभी देखना नीचे उतरते ऑन हो जाएगा, दो घंटे मस्ती मारता है तो शायद अगर नहीं आप सुन रहे तो आप सो जाएंगे, आज बहुत अच्छी नींद आई, आपने बड़ी शानदार लोरी सुनाई, माँ भी नहीं सुनाती थी, अगर आपने एंजॉय किया आप क्यों रहोगे जाके, और जैसे ही आप नीचे उतरो कह गए हो गया, कट लो फेंको साले को, दफा करो, आजा चल पुरानी चादर ओढ़ ले, अब आपने ऑब्जर्व करना है, अच्छा अरे यार देख उतरते तूने साला चालू कर दिया वो बेटे का लफड़ा, बहन का लफड़ा, चाचे का बिजनेस का, वाह यार मजेदार है, तू गायब हो जाएगा, फिर आएगा 15 मिनट बाद ठक ठक है आऊं क्या, देखो अगर सारे टाइम वो देखेगा ना, चैतन्य हमारे एक भगवान रहे चैतन्य महाप्रभु, वो इसलिए चेतना को जान लिया, चैतन्य कॉन्शियसनेस बीइंग रेड, वो आगे आपके हो गए ना 4-5 दिन में मुन्ना कहेगा यार बड़ा मुश्किल है यार इस बाप के सामने साला चोरी करना, ऐसा करो इससे पूछ ही लूं पापा एक टॉफी और मिल सकती है क्या, ये करेगा और धीरे धीरे टेम हो जाएगा, जो कुत्ते को टेम कर सकते हैं वो शेर को भी कर सकते हैं, बड़े बड़े शेर भी टेम हो जाते हैं, क्रोकोडाइल टेम हो जाता है, क्रोकोडाइल बगरमच्छ उसके पास अखरोट इतनी बड़ी ब्रेन होता है, वो ये नहीं जानता मैंने आज एक भेड़िए को मारा है, इसके मैं छिलके उतारता हूँ, इसके बाल साफ करता हूँ, इसकी हड्डियां पूरा खा जाता है, उसके ब्रेन में प्रोसेसिंग नहीं है, ह्यूमंस में है, वो क्या गंद खा रहा है नहीं खा रहा उसे वो पूरा निकल जाता है, क्योंकि अखरोट जितना ब्रेन है, और वो भी टेम हो जाता है, यानी कि हर रेप्टाइल डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, सांप पाला जा सकता है, छिपकलियां पालते हैं लोग, यानी आप में बड़ी ताकत है यार, और आपको पता ही नहीं है, पता नहीं है, क्लास देखिए ना, पता नहीं, तो पता नहीं, उसे ऑन करो, जब वो ऑन हो जाएगा आपको ले पता करने को साला कुछ है ही, सारा ब्रह्मांड अंदर बैठा है। ट्रेन में गुरु जी जकार्ता में से है, वहां पर उन्होंने शेर के बच्चों को ट्रेन और वो आके आपके यहाँ बैठ जाते हैं, बड़े आराम से चीता आके यहाँ बैठ जाता है, और जब आपकी शक्ल देखता है तो आपकी तो हालत खराब हो जाती है पजामा, लेकिन वो लेकिन एक एंजॉय होता है कि शेर का चीते का बच्चा आपके पास आके बैठेगा और आप उस पे हाथ फेर रहे हैं, मतलब इतनी ब्यूटीफुल टाइमिंग है, पता उस समय क्या करो जब आ रहा है ना, बोलो बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है, आपका पता है, हाँ ये बॉडी कंफ्यूज ऐसे होती है, बिल्ली का बच्चा, जैसे माँ नहीं बोलती बच्चे को कुछ नहीं होगा, मम्मा है कुछ नहीं होगा, बच्चा कहता फिर तो कुछ नहीं कह दिया तो कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होता, उस समय तो कुछ नहीं होता, जब आप बाद में अपनी वीडियो देखो तब कुछ नहीं, फिर ऑब्जर्व करो, फिर ऑब्जर्व करें, ये ट्रेनिंग से होगा, एक दिन के बाद आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर ज्ञानमय, लंबी यात्रा है, ये कृपा बिना नहीं होगी, जब तक कृपा की क्लास सुन लेना दोबारा एक बार, कृपा जब तक लेना नहीं सीखोगे तब तक नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले अपनी पत्नी को प्रणाम करो, स्त्री के द्वारा जब तक लेफ्ट ब्रेन ऑन नहीं होगा तब तक ऑन नहीं होगा, अपनी पत्नी मतलब ये नहीं कि मुझे साथ में बैठी है पत्नी, ये धर्म पत्नी है आपके अंदर का स्त्री तत्व, तो आपकी गर्लफ्रेंड की बात भी नहीं हो रही, कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड को भी पत्नी मानते हैं, कहते ये धर्म पत्नी है, पत्नी तो कोई और है, पीछे से आवाज आई बीच में कहेंगे कि सुन के आए हो फिर भी नहीं करते तो आपने अपने अंदर के स्त्री तत्व को पहचानना है कि मुझ में क्षमा है, ममता है, प्रेम है और एक्सेप्टेंस है, स्त्री एक्सेप्ट कर लेती है वो नहीं कुड़ती, वो कुड़ेगी तो मूर्खता करती है, जो एक्सेप्ट कर कहती दफा करो वो भक्ति है, मैंने बताया ना भक्ति अकेली चीज है, सेक्स प्रेम स्नेह और ममता दूसरे से होती है हमेशा, भक्ति में एकाकार हो जाते हैं, अब आप एकाकार हो गए और ईश्वर तुल्य हो गए तो फिर डर काहे का,
डरने वाला भगवान को मानता ही नहीं, जो मानता है वो जानता नहीं, और जो जानता है वो जी लेता है। जब तक आप ये नहीं करेंगे वो आपका बोध पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हमारी सारी की सारी लड़ाई क्या है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मुन्ना से लड़ने भी नहीं जाना, बस उसके ऊपर गुरु बिठा के रखना है और लगातार ट्रेन करना है। हाँ जी, सुबह कंटिन्यू जैसे ऑब्जर्विंग कर रहे हैं कि रात को चलो कुछ मतलब सोचते हैं कि चलिए आज रात को हमारे सपने में क्या आया था, कई बार हमें लगता है हाँ यही आया था, लेकिन कई दिन से अगर ये हो रहा है कि कुछ नहीं, हमें याद ही नहीं आ रहा कुछ, तो इसका मतलब साउंड स्लीप और साउंड स्लीप। जब आपको याद नहीं आ रहा ना तो आप असल में ट्रेंड हो गए हो, कि आप समझ गए हो साले बकवास फिल्म चला रखी बेकार की, हैं तमिल फिल्म डब करके दिखाता, तमिल में दिखा रहा है, तो आप समझ चुके हो ये बेकार, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान मध्य से भगड़े दो साले, ये आप जान गए हो इसलिए आपको सपने याद आने बंद होंगे। छोटे बच्चे क्या कहते हैं, अरे पता नहीं क्या मम्मा को सपना आया था पता ही नहीं, क्योंकि उनके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। फिर उनको डरना सिखाते हैं, बेटा पता है छिपकली देखने से सपने में ये होता है, तिल दिख गया, बारिश, सांप ने काटा, पैसे मिलेंगे, फिर वो याद करता है, याद करूंगा याद, वो याद होते हैं और फिर मुन्ना डराने वाले देना शुरू कर देता है। सारा फेज ट्रेनिंग का, आपको ट्रेंड कैसे किया हुआ है, ऐसी माँ अच्छी होती है वैसी माँ गंदी होती है, अरे यशोदा से अच्छी माँ ही नहीं होती है, कृष्ण बना डाला अपनी माँ उसकी माँ, प्रेम प्रेम कहाँ है, अगर प्रेम नहीं है तो अपना सगा भाई भी व्यर्थ है, आपके मित्र से आपको ज्यादा प्रेम होता है सगे भाई से, पूर्वजन का स्पार्क है, बॉडी इतनी स्पेसिफिक है, रीडिंग में इतनी स्पेसिफिक है, आप छोटे बच्चों को देखेंगे किसी किसी की गोद में वो कहता है बॉडी का स्पार्क नहीं होता। प्रेम कहां होता है सत्य, जहां बॉडी का आकर्षण नहीं होता, बॉडी हर किसी के साथ नहीं चलती, हर जगह खाना पसंद नहीं करती, मन तो कहता भाई सब जगह भाई सारा ही खा जाओ यार, सारा मूड है, बॉडी का ब्रेन द बॉडी ब्रेन इस पर एक अलग क्लास है, बॉडी का ब्रेन टोटली डिफरेंट है, ये अपना खाता है पीता संतुष्ट होता है स्वाहा, क्रोध तो मुन्ना करता है, बॉडी को इस्तेमाल करके खून पीता है उसका नाश पीटता है, इसको आइडेंटिफाई करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। 14 साल का बच्चा बोलता है कि ये मुंह आया है तो उसको अभी पता ही नहीं, लेकिन वो कई बार ऐसी ऐसी बातें बोलता है, पता ही नहीं तो चाहिए, जो 40 साल का वो तो बोलता है पता है, उसको 20 साल लगेंगे शायद, उसे 20 साल लगेंगे शायद दोबारा बोलने में पता नहीं, 14 साल का बच्चा तो पहले बोल रहा है पता नहीं, ये मैं सच्चाई की बात कहूं, मुझसे इसको ऑडिट कर देंगे हम, मुझसे पूछा जाता ना क्या खाएं, ये खाएं वो खाएं, कुछ भी खा लेंगे, ये सत्यवान से बात होती है क्लास के लिए, सर ये आज तोरी मंगा दे कि टिंडे, तोरी मंगा दो क्या फर्क पड़ता है, टिंडे मंगा दो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि क्या होगा मैं कहूँगा तोरी मंगा दो तो अगले हफ्ते कहूँगा टिंडे मंगा दो, कहूँगा इस हफ्ते टिंडे मंगा दो तो अगले हफ्ते तोरी आ जाएगी, अब आने दो नहीं है कोई सा भी आने दो क्या फर्क पड़े, काली तोरी मत ले आना बस। मकसद कहने का है एक्सेप्टेंस, जब आपका यौन हो जाता है तो आप कहते हो क्या खाना है पता नहीं यार, साला सभी कुछ अच्छा लगता है, जितने शराब पीने वाले लोग हैं जो शराब के नाम पर बदनाम कर रखा है उन्होंने, लेकिन वो शराब पी के कहते हैं कोई पता नहीं यार, उनका लिवर ठीक रहता है, उनको लिवर खराब हो गया तो पीने से ठीक होगा, और जो कहते हैं ना शराब पी ले भाई पता लग गया मुझे, वो सब बीमार पड़ते हैं, सब बीमार पड़ेंगे, किडनी या लिवर पे प्रॉब्लम आएगी एज पर द थॉट। इसलिए जीवन में लगातार ऑब्जर्वेशन करो, साक्षी भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक आप विटनेसिंग नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा मुन्ना कहां कहां से अटैक कर रहा है, 12% का चूहा है और शेर भी हम ही बनाते हैं, इसको शरीर देना बंद करो, और आपके शरीर में बे इंतहा ताकत है, आपको पहला बिलीफ रखना ठीक हो सकते हैं, ठीक होते हैं, बॉडी पे छोड़ दो ठीक हो जाएगी, ऑटो करेक्शन, बहुत ताकतवर होती है मनुष्य की बॉडी, जानवरों की बॉडी अपने आप ठीक होती है, कितने एक्सपेरिमेंट इंसान चूहों पे कर रहा है, कैसे हो रहा है ये, क्योंकि बॉडी इज वेरी पावरफुल वेपन, इसको पहचानिए, लगातार जागरूक रहिए। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओके।